पर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए खुदावन ईश्वर प्रभु, जैसा आप चाहते हैं वैसा आप हमें चलाएं, हमारी अगुवाई करें, बोले और बातचीत करें। आपने कहा जो तुझे बोलना होगा उसी से मैं बतलाया जाएगा, बोलने वाला मनुष्य नहीं वरन परमेश्वर का आत्मा होगा। मेरे अब्बा पिता तेरा धन्यवाद करते हर एक आशीष और बरकतों के लिए जो आज हमें आपने दिया है, जो इस पल तक भी हमारे पास है, ये सब कुछ सिर्फ तेरी दया अनुग्रह करुणा से है। हमसे कुछ नहीं बन पड़ा प्रभु, हम जैसे भी तेरे पास आते हैं स्वीकार करें खुदावन हमारा आना, हम पर अनुग्रह कीजिए, सब कुछ तेरे नियंत्रण में है और शुरुआत हो चुकी है। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन आमेन और आमेन। आगे बढ़ते हैं, प्राजिता बहन आप हमारे बीच में हैं, हम वर्शिप में चलेंगे आपके साथ में। हाँ जी माता जी, जी धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर अवसर देने के लिए हमारे खुदावन प्रभु। हर गलती बिना अपराध करे क्षमा प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, तेरे दया पिता परमेश्वर ने बुला कर लाया मेरे खुदा तरफ अनुग्रह तेरे फजल के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। अपने आप को तुझे सौंपते मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, मेरे पापों को गुनाह क्षमा कर मेरे खुदा, जो भी हो तेरे और से हो पिता परमेश्वर, हमें कोई सामर्थ्य नहीं पिता परमेश्वर, हमारे सुर को ताल को हम सबके मनों को ब्लेस कर, हम सबको एक मन कर पिता परमेश्वर। आज की आराधना तेरे ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर, तेरे आत्मा हम सबों के बीच में मंड रहा है, आपका आत्मा हम सबों को सिखाए समझाए बातचीत करे, और आप जो सिखाना चाहते हैं पिता परमेश्वर अपने स्वर्गीय धन के अनुसार हमें सबके जीवन में पूरा करना पिता परमेश्वर। सच में हमारी सारी कमियों को हमें बताना, हमें सिखाना बता, हमें बल नहीं सामर्थ्य नहीं पिता परमेश्वर, लेकिन आप अपनी बलवंत हाथों से हमें उठाना आज खुदा भगवान यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्यारे यीशु मैं तेरे फजल दिल तो शुक्र गुजार रहा, तेरा फजल मैनू रोज बचाए दिल तो शुक्र गुजार रहा। प्यारे यीशु मैं तेरे फजल दिल तो शुक्र गुजार रहा, तेरा फजल मैनू रोज बचाए दिल तो शुक्र गुजार रहा। पवित्र बना तेरी सेवा में करा,
सौंपदा हमें अपना रूह जी समझा, पवित्र बना तेरी सेवा में करा। मेरे विचों प्रभु तू ही दिसदा रहे, मेरे विचों प्रभु तू ही दिसदा रहे। सब गाए, मेरे विचों प्रभु तू ही दिसदा रहे, मेरे विचों प्रभु तू ही दिसदा रहे। जग विच मैनू तू ज्योति बनाया, दिल तो शुक्र गुजार रहा। जग विच मैनू तू ज्योति बनाया, दिल तो शुक्र गुजार रहा। अपने हाथों को उठाए सभी लोग, अपने हाथों को उठाए खुदावन की तरफ समर्पित करें, अपने सरेंडर करें, प्रभु मुझे ज्योति के समान इस्तेमाल कर, इस्तेमाल कर खुदावन, मुझे अपनी रूह से भर के इस्तेमाल कर खुदावन, जग इस्तेमाल कर, विच मैनू तू इस्तेमाल कर ज्योति खुदावन, बनाया, दिल खोल दे मेरे रास्ते तो को खुदावन, शुक्र मेरी जिंदगी का गुजार अंधकार चाहता रहे रहा। खुदावन, मेरी जिंदगी जग का अंधकार विच चाहता रहे, मैनू तू ज्योति बनाया, दिल तो शुक्र गुजार रहा। हर प्रकार का अधिकार चाहता रहे, आत्मिक अधिकार, शारीरिक अधिकार, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, सोशली, सब प्रकार के अधिकार आज जाते हैं यीशु मसीह की सामर्थ्य में। दिल तो शुक्र गुजार रहा, अपने तेरा हाथों को उठा के खुदा से बोलो, बदल मुझे मैनू भर दे परमेश्वर, तेरे फजल से, बनाया, तेरी सामर्थ से भर दे, दिल तेरे तो अनुग्रह से भर दे, तेरे प्रकाश को शुक्र मुझके मेरे ऊपर चमका, क्योंकि गुजार रहा। हालेलुया, छोर तक तू मुझे इस्तेमाल कर। प्रभु हमारे चित्र को बदल दे, हमारे विचारों को बदल दे, हमारे हालातों को बदल दे, हमारी सोचों को बदल दे खुदावन, बदल दे परमेश्वर, बदल दे, बदल दे, बदल दे खुदावन, हमारी परिस्थिति को बदल दे खुदावन, हमें उठा परमेश्वर, हमें बड़ा प्रभु, हमें दृढ़ कर, हमें मजबूत कर खुदावन यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सृष्टि के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम जैसे भी आप हमें ग्रहण करें खुदावन यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं जो तेरी बच्ची ने खुदावन आत्मा और सच्चाई से आराधना की है, खुदावन तेरा रूह हमारे बीच में जो मिश कर रहा है खुदावन, तो अपनी सामर्थ्य में छू रहा है परमेश्वर, तुमसे बात किया खुदावन यीशु, तूने हमें बल दिया, तूने हमें सामर्थ प्रदान की, तूने हमें फिर से इकट्ठा किया, तूने हम पर अनुग्रह किया, हम सब बातों में सिर्फ तुझे धन्यवाद करते हैं पिता, सारी महिमा आदर मान सम्मान यीशु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु हम आपको देते हैं, तेरी इस बेटी को नई सामर्थ्य भरने के लिए धन्यवाद खुदावन, नए अभिषेक से भरने के लिए धन्यवाद खुदावन यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं, हम सभी को छूने के लिए, हमारे हृदय से बात करने के लिए, हमारे हृदय को तैयार करने के लिए, ताकि जब तेरा वचन रूपी बीज बो जाए वो 30, 60, 1000 गुना फल लाए और हमारी कुप्पी का तेल कभी खत्म ना हो, दया कर कृपा कर खुदावन, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, अपने आप को सरेंडर समर्पित करते हुए तेरे पास आते हैं, जो तू चाहता है वो बोल खुदावन, बोल खुदावन, सारे बंधन खोल खुदावन, तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ, हम सब तुझको महसूस करें और तेरी रूह से सदा सा भरे खुदावन यीशु, तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगते प्रभु यीशु, आमेन आमेन और आमेन, थैंक यू जीसस, खुदावन आपको बहुत आशीष दे, मैन खुदा ने आपको नए मसीह से भरा है, नई सामर्थ्य से भरा है, बहुत बड़ो आप, सभी लोग जो भी समय उपवास में है अपने सर पे हाथ रखे, इस समय सभी लोग अपने माइकों को बंद करें, जो लोग इस समय उपवास में है अपने सरों पर हाथ रखें, बोले खुदावन मेरे प्रभु, इस महीने के इस आखिरी दिन खुदावन मैं उपवास में आया हूँ, मैं उपवास में आती हूँ खुदावन, मुझे ग्रहण कर, मैं समर्पित करता हूँ अपने आप को, सरेंडर करती हूँ खुदावन यीशु मसीह, परमेश्वर पिता तू काम कर मेरी जिंदगी के हर एक हिस्से में, मेरी आत्मिक जिंदगी में, मेरे शारीरिक जिंदगी में, मेरे धन में, मेरी सेवकाई के अंदर, मेरे फैमिलीज में,
आंसू में काम कर खुदावन, प्रभु मेरा छोटा सा उपवास तेरे ग्रहण योग्य हो। आंसू काम कर, स्मरण करा, याद दिला, बोल प्रभु, बातचीत कर हमसे खुदावन, हमें अपने से काम करने का अनुग्रह दे अब्बा पिता, ताकि हम तेरे उस बड़े हाथ को देखे, जलाली हाथ को देखे, क्योंकि लिखा है जल की रोक कौन कर सकता है, जब यहोवा बोले तो उससे कौन पूछ सकता है कि तू क्या कहता है। धन्यवाद करते हैं अब्बा पिता यीशु, तेरे लहू से हम सभी को धोके शुद्ध करने के लिए धन्यवाद, तेरे नाम से खुदावंद यीशु में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन आमेन और आमेन। आगे बढ़ते हम सभी लोग, प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। जो लोग अपनी वीडियो चालू कर सकते हैं वो चालू करने की कोशिश करें, जो कि कोई कोई इमरजेंसी सिचुएशन थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग बंद कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन चालू कर सकते हो, चालू करने की कोशिश करना, ठीक है। और मुझे नहीं पता कल कितने लोग, कल की नाइट प्रेयर्स में कितने लोग सो रहे थे, जो जगने वाले थे, जो जगे हुए थे, जिन्होंने खुदा के कलाम को सुना, उधर सबको बहुत आशीष दे, लेकिन जो सोए हुए थे खुदावन उन सबको आशीष दे, ब्लेस करे, उनकी आत्मिक उन्नति और उनका विकास करे। मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी कोशिश करें कि कभी नाइट प्रेयर होती है, और क्योंकि समझ लो ये मीटिंग एक हमारे लिए बहाना है। नाइट प्रेयर के अंदर मोस्टली ज्यादातर कई बार वचन और कई बार समटाइम प्रेयर्स भी होती है, जो कहीं ना कहीं हमारे पूरे दिनचर्या के विषय में या जो हमें करना चाहिए जो नहीं करना चाहिए, बहुत सी चीजें परमेश्वर हमें करेक्ट करता है, वो जरूरी है, ताकि हम नई सुबह नई तरीके से खड़े हो, स्टार्ट हो, सब कुछ बेस्ट एंड ब्लेसड हो, है ना। कोशिश करा करें जो लोग नाइट प्रेयर में नहीं जुड़ते वो नाइट प्रेयर में जुड़े, और जो जुड़ते हैं वो प्रार्थना करके बोले खुदावंत से, खुदा कोई रुकावट ना हो और मुझे आलस और नींद ना आए, मुझे जगाए रख, मुझे आशीष पानी है प्रभु, सरगर्म रहना है, आमेन। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले खुदावंत आपने जो जो आपको बोलना है वो आप बोलिए, इस होठों को आप इस्तेमाल कीजिए खुदावंत, अपनी वेदी की आग से पवित्र करें, आपने कहा जो तुझे बोलना होगा उसी से मैं बतलाया जाएगा पा, आप बोलिए, बोल खुदावंत, आज हम सभी तेरे बच्चे सुनने के लिए तेरी तैयार है, तेरा धन्यवाद यीशु के नाम से, आमेन। अब इस साल के इस महीने के इस नवंबर के महीने के इस आखिरी दिन तक अगर हमने कोई भी कमिटमेंट की है, कोई भी कमिटमेंट की है, याद करो कमिटमेंट का मतलब वाचा बांधना, चाहे वो कुछ खिलाने की है, चाहे वो किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी कमिटमेंट्स है, कौन सी कमिटमेंट्स, कमिटमेंट का मतलब फिर से बोलता हूँ, अपनी वाचाएं, प्रॉमिस करना, है ना, जैसे प्रभु मेरा ये काम हो जाए मैं तेरे लिए ऐसा कर दूंगी, मैं तेरे लिए ऐसा कर दूंगा, प्रभु मेरा ये काम बन जाए मैं ये करूंगा मैं वो करूंगी, है ना, मैं अपना जीवन तुझे समर्पित कर दूंगी, तेरे साथ ऐसे बैठा करूंगी, ऐसे बैठा करूंगा प्रभु, तेरे भवन में संगति में ऐसे पाया जाया करूंगा, कमिटमेंट्स वाचाएं। दूसरा, अगर हमने अपने परिवारों में किसी से कोई कमिटमेंट की है, वाचाएं बांधी है बड़े तौर पर, उनको स्मरण करें, प्रभु से सामर्थ मांगे, प्रभु मुझे सामर्थ दे, क्योंकि लिखा है जब तक तू कौड़ी कौड़ी ना भर दे तब तक तू छूटने ना पाएगा, है ना, प्रभु से सामर्थ मांगे, प्रभु अपने आप से नहीं कर पा रही, अपने उन वाचाओं को पूरा जो मैंने परिवार के प्रति, अपने फैमिली के प्रति, या मैंने खुद अपने आप के प्रति, हर साल हम कोई ना कोई नया शेड्यूल बनाते हैं कि मैं इस साल से ऐसा करूंगा वैसा करूंगी, ऐसे प्रार्थना ऐसे आराधना ऐसे संगति ऐसे वचन पढ़ना, या आत्मिक रूप में और अपने आज्ञा पालन के अंदर चरित्र के अंदर इस प्रकार से मैं आज्ञा पालन में चलूंगा, आज्ञा पालन में चलूंगी, बहुत सी चीजें है ना, कमिटमेंट्स करते हैं हम लोग, है ना। तो आज आप और मैं हम सभी लोग मिलकर आखिरी में एक पश्चात आपकी प्रार्थना करेंगे, दूसरा हम परमेश्वर से सामर्थ मांगेंगे, और हम ये भी मांगेंगे परमेश्वर हमारी किसी भी कमिटमेंट के कारण आज हमारा कुछ भी बढ़ना उठना ब्लेसिंग तरक्की उन्नति या छुटकारा या कोई भी किसी भी प्रकार का हमारा डिलीवरेंस, जब वो किसी भी एरिया का है, हमारे कमिटमेंट से ऐसा भी हो सकता था कि हमारे घर के घर वाले की किसी की ब्लेसिंग रुकी हुई थी, समझ रहे हो। अब वो कमिटमेंट कैसी है, वो कुछ वस्त्र बोने को लेकर हो सकती है, बीज बोने को लेकर हो सकती है, जैसे बोल दिया प्रभु उस बहन का बर्थडे था
मैंने उसे कहा था मैं तुझे एक सूट गिफ्ट करूंगी या मैं तुझे घड़ी गिफ्ट करूंगा। हाँ चिंता मत कर, हम मसीह को जानते हैं, है ना, समझ रहे हो, ये भी एक कमिटमेंट है, ये भी एक वाचा है। प्रभु को जानने के बाद अगर हमने ऐसी कोई वाचाएं बांधी थी और हमें अच्छे तरीके से पता है इस बात को लेकर कि हाँ मुझे पूरी करनी चाहिए थी लेकिन मैंने नहीं करी, मुझे शिक्षा दी गई थी, मुझे मालूम था कि मैं कर्जदार ना बनूं और खुदा का नाम निंदित ना हो, समझ रहे हो, खुदा खुदा में आने से पहले की तो बात अलग है, लेकिन खुदा में आने के बाद में जब हमने ये वाला ज्ञान पा लिया, जब हमने ये वचन सीख लिया और जान लिया कि हाँ अब से हमें अपने शब्दों के द्वारा कही गई बातों को पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करना है, कौन सी जो अच्छी बातें हैं, प्रभु ने कहा है जब तू अगर हम नीति वचन में पुराने नियम में कई जगह परमेश्वर इन बातों को हमें क्लियर करता है कि मनुष्य अपनी मुंह की बातों के कारण फंसता है, मालूम है, और मनुष्य अपनी मुंह की बातों के कारण दोषी और निर्दोषी ठहराया जाता है। यदि तूने अगर किसी प्रकार की कोई वाचा बांधी है, कोई कमिटमेंट की है, तो उसका पूरा कर, और उतावली में आकर कोई कमिटमेंट नहीं करनी है, और परमेश्वर भी नहीं चाहता कि हम उससे कोई उतावली में आकर कोई वाचा बांधे कि प्रभु मैं तेरे लिए ऐसा कर दूंगा, मैं तेरे लिए वैसा कर दूंगा, तू मुझे चंगा कर दे, मैं तेरे भवन में एक मिठाई का डब्बा दूंगा, तू मेरे को चंगा कर दे, मैं बपतिस्मा लूंगा, तू मेरे को चंगा कर दे, ये मेरा काम बन जाए, ये मेरी नौकरी लग जाए, या मेरे बच्चे की शादी हो जाए, या मेरे पति की शराब छोड़ जाए, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, चाहे वो एक सुई की थी, चाहे वो जहाज की थी, छोटी है चाहे बड़ी है, जितनी आप में शक्ति है अपनी तरफ से कोशिश करनी है, शुरुआत करनी है ना। लेकिन ध्यान से सुनना, जब से आपने ये वाला ज्ञान पाया है कि हाँ आपको अपने अपने मुंह के कहे हुए शब्द मतलब कमिटमेंट्स, मजाक देखो मजाक की बात होती है, वो बात सारी शब्दों की है, बात सारी शब्दों की है ना। अगर आप कमिटमेंट नहीं, आपने कमिट मान लो, मैंने अपराजिता बहन को कोई कमिटमेंट करी, अपराजिता बहन मैं ना आपको ना क्या कहते हैं एक है ना माइक गिफ्ट करूंगा, सुनना पूरी बात, मैं अपराजिता बहन को कह रहा हूँ, अपराजिता बहन मैं आपको एक माइक गिफ्ट करूंगा 3 दिन में 4 दिन में, अपराजिता बहन आपका बर्थडे, आपको मैं माइक गिफ्ट करूंगा और आप उस माइक के अंदर प्रचार करा करना, वर्शिप गाया करना, है ना। तो होता क्या है कि हाँ मैंने बोल दिया और मैं वचन को जानता हूँ और मुझे ये भी पता है, मैंने ये वाली शिक्षा भी पा ली है प्रभु के दासों के द्वारा, प्रभु के सेवकों के द्वारा, हमारे अगुओं के द्वारा, कि हमें अब हमारे मुंह के शब्द नपे तुले हुए हों और जो हम बोल रहे हैं उसको हम पूरा भी करें, है ना। और दूसरा यदि तूने वचन में लिखा है कि मुझे पूरी तरीके से वचन को याद नहीं आ रहा कि अपनी कोई भी अगर तू वाचा बांध रहा है, किसी प्रकार की अगर तू वाचा बांध रहा है तो उसको पूरा कर, अगर तू उसको पूरा नहीं कर रहा तो तू फंदे में पड़ सकता है, फंदे में पड़ सकता है ना। उतावली में हमें मन्नत, हाँ मन्नत को ना मांगे, मन्नत मांगकर पूछ पाछ करने से मन्नत को ना मांगना ही अच्छा है ना, मन्नत को मांगकर पूछ पाछ करने से मन्नत को ना मांगना ही अच्छा है, जो मन्नत मांगकर पूछ पाछ करता है वो फंदे में फंसता है, पड़ता है। अब वो फंदा किसी प्रकार की कोई घटी का हो सकता है, वो फंदा ना बढ़ने का हो सकता है, वो रुकावट का एक बंधन हो सकता है। अब मैंने अपराजिता बहन से बोला, अपराजिता बहन आपका बर्थडे है, मैं सच कहता हूँ आपसे और प्रभु के वचन को भी मैं जानता हूँ, जो मैं बोलूँ मुझे करना है, और मैं आपको एक माइक गिफ्ट करूंगा, चाहे वो 300 का चाहे वो 3,000 का, लेकिन मैं एक माइक गिफ्ट करूंगा, है ना, उसमें पैसों की कोई वो नहीं है, लेकिन मैंने बोला माइक गिफ्ट करूं तो माइक गिफ्ट करूंगा। अब मैंने आपको माइक गिफ्ट करना है, मैंने आपको माइक गिफ्ट नहीं करा और मेरे पास पैसे नहीं, कंडीशन ऐसी हो चुकी है, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, लेकिन अब मैं नहीं कर पाया गिफ्ट, आपने मेरे से पूछा या नहीं पूछा, या आप भूल गए या नहीं भूले, लेकिन खुदा को याद है, सुनो इस बात को, और आपको माइक मिले तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको नहीं मिले तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैंने बोला है इससे मैं फंस गया था। अब मैंने कमिटमेंट की है अपराजिता बहन को मैं माइक गिफ्ट करूंगा, अपराजिता बहन को तो 10 10 माइक मिल गए, किसी और ने दे दिया, इनके हस्बैंड ने खरीद के दे दिया और प्रभु के दासों ने ब्लेस कर दिया कि भाई प्रभु की दासी को माइक चाहिए, ठीक है 10 10 माइक आगे, बढ़िया बढ़िया कंपनी के माइक आगे, कॉर्डलेस माइक आगे, वायर वाले माइक आगे, लेकिन अपराजिता बहन का इसमें कुछ नहीं गया, लेकिन गया किसका, मेरा गया था। अब क्या कि मेरी ब्लेसिंग रुक गई थी, क्यों, क्योंकि मैंने कमिटमेंट किया था कि अपराजिता बहन को एक मैं माइक दूंगा, अब अगर मैं नहीं दे पा रहा हूँ तो मैं अपराजिता बहन से जाकर बोल दूँ सॉरी मैं नहीं दे सकता, मुझे माफ कर दो, और
अब अगर मैं अपराजिता बहन को जाकर बोल दूं, अपराजिता बहन इस कमिटमेंट से मैं छूटना चाहता हूँ और मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दो, क्या आपने मुझे इस बात के लिए माफ कर दिया, क्या आपने मुझे इस कमिटमेंट से आजाद कर दिया? और अपराजिता बहन ने बोल दिया हाँ चलो कोई बात नहीं, तो इसका मतलब मैं छूट गया, समझ रहे हो? मैं छूट गया, फिर मेरे को माइक देने की जरूरत नहीं है, फिर मेरे को माइक देने की जरूरत नहीं है। अगर मुझसे नहीं हो पा रहा तो मैं साफ बोल दूं, चाहे सामने वाला कुछ भी बोले, मुझे बोलना है मेरे से नहीं हो सका, मैं नहीं कर पा रहा, मेरे पास पैसे नहीं हो पा रहे, 3,000 नहीं हो पा रहे, 13,000 नहीं हो पा रहे, 30,000 नहीं हो पा रहे, इतना महंगा माइक, मेरे पास 300 रुपए का माइक कभी नहीं हो पा रहा था। अब राजिता बहन सॉरी मैं नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो। अब एक इस तरीके से बचा जा सकता है, दूसरा छुटकारा पाने का, छूटने का एक और तरीका है। मैंने माइक के लिए बोला अपराजिता बहन को, लेकिन मैं माइक नहीं कर सका, लेकिन उसके बदली मान लो मैं चाहे एक पेन ले आया बढ़िया सा, अपराजिता बहन मैं माफी चाहता हूँ, मैं माइक नहीं दे सका आप, मैं उसके बदली कुछ और दे दूँ आपको, ये मैं अपनी खुशी से आपको ये पेन गिफ्ट देना चाहता हूँ, चाहे वो 2 रुपए का, चाहे वो 200 रुपए का है, एक छोटा सा बर्थडे गिफ्ट समझ कर इसको रख लेना, चाहे सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा। लेकिन अगर अपराजिता बहन ने बोल दिया कि हाँ चलो कोई बात नहीं, अरे नहीं भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर जैसे अपराजिता बहन ने कोई भी ऐसा शब्द बोल दिया जिसके अंदर मैं छूट जाता हूँ, तो सच में मैं छूट गया है ना। लेकिन मेरे को अपनी बात को पूरा करने के लिए, जिसमें कि मैंने ये बोला कि मैं उसके बदले कुछ और दे दूँ, तो फिर मुझे कुछ और देना है, चाहे वो 1 रुपया है, चाहे वो, अगर मैं बोलूँ कि मैं कुछ नहीं दे सकता, अगर मैंने बोला कुछ नहीं दे सकता तो मुझे कुछ नहीं देना है ना। अगर आपको, मुझे लगता है, अगर मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं दे सकता अपराजिता बहन, मैं सॉरी, मुझे माफ करना, मैं आपके लिए दिल से दुआ कर सकता हूँ। और अपराजिता बहन ने बोला अरे कोई बात नहीं, छोड़ो ना, नहीं दे सकते कोई बात नहीं, अरे आप आ गए ना बहुत है, तो उसका मतलब मैं छूट गया, आप आ गए ना भैया बर्थडे में, हाँ बहन प्रभु लेकर आया, सॉरी मैं दिल से, मैं इस बात के लिए दिल से सॉरी बोलता हूँ, मैं आपको बहन कुछ नहीं दे पाया। और अपराजिता बहन ने बोला चलो कोई बात नहीं, तो मैं इसके लिए प्रार्थना कर दी, वो भी काफी है, लेकिन मैं छूट गया। अब मैं कमिटमेंट से छूट गया, तो मेरे लिए समझ लो आशीषें ऐसे खुल गई जैसे बांध टूट जाता था। क्यों क्यों खुली? क्योंकि मैं कमिटमेंट से बना हुआ था, और मनुष्य अपनी मुंह की बातों के कारण फंसता है ना। अब मैंने अपनी गलती को माना, रिपेंट किया, जब मैंने बोला मुझे, मैं नहीं कर सकता, मुझे इस बात से दिल से सो सॉरी, मुझे आजाद कर दीजिए बहन या भाई, मैं नहीं कर पाया, इसके बदली जितना मुझे पता है कि मेरे जेब में 50 का नोट पड़ा है, 300, 3,000 का माइक नहीं दे पा रहा, चलो 50 का पेन, अपराजिता बहन मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ, अगर माइक नहीं दूंगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, उसके बदले कुछ और दे दूंगा, अपराजिता बहन ने बोल दिया हाँ दे दो। जब फ्राई तो मैं इनको झट से मैंने हाथ में फोन पैन रखा, तो इन्होंने बोला अरे कोई बात नहीं, मैं रखते हुए मैं ये भी बोल सकता हूँ फ्राई तो मैं ज्यादा कुछ नहीं दे सका, ये छोटा सा एक गिफ्ट स्वीकार करना, सॉरी मैं फोन नहीं दे पाया, तब भी मैं छूट गया है ना। लेकिन सत्य को समझना है, झूठ नहीं होना चाहिए है ना। दूसरा, अब अगर मैंने कोई परमेश्वर के राज्य में कोई वाचा बांधी है, इस बात को लेकर मैं नहीं कर पा रहा, तो हम अपने अगुओं से बात करें, अगुओं से बात करें, दुखी नहीं होना, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, कभी कर ही नहीं पाऊंगा, उसका मतलब क्या छूट नहीं पाऊंगा, छूट सकते हो। अगुओं से बात करें, अगुओं से बात करें कि मैंने चर्च के लिए ऐसी वाचा बांधी थी कि इतने हजार का मैं ये दूंगी, इतने हजार का वो दूंगा, इतने लाख का ये दूंगा, और मेरे पास तो 2,000 रुपये भी मुश्किल से हो पा रहे हैं, पास्टर जी मैंने तो ऐसा कहा था, क्या मैं उसके बदले कुछ और चीज दे सकती हूँ, जितना मुझसे बन पड़ता है, मेरी उस गलती के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। जैसे ही प्रभु का दास बताता है कि हाँ ऐसा कर सकते हो, इतना कर सकते हो, कोई बात नहीं, अरे चिंता ना करो, तो उसका मतलब ध्यान रखना, आप अपनी गलती के विषय में जब आप गए हो, और जब उन्होंने बोल दिया ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ कुछ भी तो जैसा हो सके वो दे सकते हो, तो आप छूट गए, ठीक है, टेंशन की जरूरत नहीं है। लेकिन ये चीज हमें सिखा रही, आगे को हम उतावली में ना दौड़े, खुदा का नाम खराब ना हो। और एक और चीज, मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। एक पत्नी अपने पति के साथ जब वफादार है, पत्नी 24 आवर वर्किंग होती है, 365 दिन वर्किंग होती है, तो उसके पति का हक बनता है, जो उसकी पत्नी अपने घर के अंदर जो जो काम कर रही है, जो मजदूरी कर रही है, उसका उसको अच्छा प्रतिफल दे, या तो पति उसके लिए कुछ अमाउंट दे, या उसके लिए कुछ इंतजाम करे, या उसको उसकी जो भी इच्छा है, उसकी इच्छा क्या है कि मतलब ऐसी भी इच्छा नहीं कि वो जो पाप से भरी हो बुरी हो,
गलत अभिलाषा है, वो वाली इच्छा नहीं, अच्छी इच्छा कि मेरा मन कर रहा है हाँ चलो आज हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं हम दोनों हस्बैंड वाइफ, तो वो उसकी मजदूरी होगी पत्नी की, समझ रहे हो। और अगर पति उड़ेड़ी चोटी का जोर लगाकर मेहनत कर रहा है तो पत्नी को उसके लिए अच्छी मजदूरी देनी है, जो भी पति की इच्छा है, गलत चीज नहीं, अच्छा है ना। वो कुछ भी हो सकता है, खाना हो सकता है, प्यार हो सकता है, समय बिताना हो सकता है, या कुछ गिफ्ट देना हो सकता है, चाहे वो गिफ्ट में कुछ प्यारा सा नया खाने के लिए बना दे जो 3 साल तक, तो 3 साल में कभी नहीं बनाता, वो एक मजदूरी है, आप इसके कारण बहुत आशीष पाओगे। हम ये ना सोचे कि जो प्रचार कर रहा है हाँ भाई वो भी एक मजदूर है, उसको भी मजदूरी देनी है, मतलब हाँ भाई हमने उसे सीखा है उसको देनी है, और हम ये ना सोचे हमने यार बस में चढ़े हैं उसको मजदूरी देनी है, हाँ वो भी सब एक एक अपने अपने लेवल पर है, लेकिन हम छोटी छोटी चीजों के अंदर फेथफुल नहीं हो पा रहे अपनी फैमिलीज के अंदर, समझ रहे आप लोग। प्रभु के वचन में लिखा है कि हल जोतने वाला जो बैल है उसका मुंह ना बांधना, उसका पसीना निकलने से पहले, उस मनुष्य का पसीना निकलने से पहले उसको ब्लेस करना, और उसका मुंह मत बांधना, उसका मुंह मत रोकना, क्योंकि मजदूर को मजदूर के लिए उसकी मजदूरी हक समझा जाता है, हक है उसका, हक है। जैसे अब मान लो मेरे को कोई भाई मिला, हमारी स्कूटी एक बार बंद हो गई थी, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई थी, हाँ वो पेट्रोल नहीं था उसके अंदर, पेट्रोल पंप पे लेके जाना था, मैं और कमल उसको धक्का मार के लेके जा रहे थे एक बार, थोड़ा सा हाँ थोड़ा कुछ ही दूरी पर था, धक्का मारने स्टार्ट किया, थोड़ा धक्का मार के लेके जा रहे थे, उतने में एक बैटरी रिक्शा दिखाई दी, बैटरी रिक्शा ने बोला अरे बैठो मैं धक्का, उसने टांग लगाना शुरू कर दिया, धक्का देना शुरू कर दिया, मैंने कहा ये तो अपने आप ही कर रहे हैं, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, लेकिन उसने कहा अरे स्कूटी पे नहीं, मेरे स्कूटी बैठ जाओ उसमें, बैटरी रिक्शा में बैठ जाओ, मैं बैठ गया। अब प्रभु ने अगुवाई करी कि इसको सुसमाचार दे, वचन दिया उसको, प्रभु का नाम बताया, और प्रभु ने उसकी जिंदगी में काम किया, बहुत नम्रता और दीनता से उसको उसके मन को तैयार किया, उसको काट दिया और मन को परमेश्वर ने बेचैन कर दिया, चाहे भले ही इसने 200 मीटर की दूरी, चाहे भले ही थोड़ी सी देर, इसने चाहे 3 मिनट ही रिक्शा चलाया है, इसको उसकी मजदूरी दियो, तुझे मैं इसका प्रतिफल दूंगा, समझ रहे हो। चाहे भले ही उसने स्वयं की इच्छा से और मुझे मना कर रहा है पैसे के लिए नहीं दो, लेकिन मुझे उसकी मजदूरी देनी है, समझ रहे हो, अपनी इच्छा से मुझे बटुए से नोट निकालकर, सिक्का निकालकर, पैसे निकालकर उसको थमाने हैं, निकालकर पूरी अपनी अपने हृदय से भी ये चीज प्रकट करने की, हाँ प्रभु मैं सच में दे रहा हूँ, ये नहीं कि बस हाँ भैया रुको 1 मिनट में दे रहा हूँ, जेब में हाथ डाल रहे हैं, इधर उधर टटोल रहे हैं, अभी तक नोट हाथ में आ रहा है लेकिन उसको फिसल रहे हैं नोट हाथ में से बाहर, हाँ दे रहा हूँ 1 मिनट रुको तो सही भैया, वो कह रहा है अरे भैया रुको ना कहाँ तुम भी, समझ लो ये बहाने ड्रामे नहीं, तरीके से अपने हृदय से, परमेश्वर हृदय को जांचता है ना, मजदूरी की है उसने, चाहे वो एक अमीर बाप की औलाद है, चाहे वो गरीब है ना, अब अपनी तरफ से हमें बेस्ट करना है, अगर हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं है ना, तो हम दिल से बोल दे प्रभु तुझे आशीष दे, बरकत दे, प्रभु तेरे आंसू की सुध ले, तेरी रक्षा करे, तेरे घरिवार, तेरे परिवार, तेरे खानदान को संभाल के रखे, वो बहुत बड़ी आशीष है। अगर आपके पास कुछ नहीं है लेकिन देना है उसको, क्या चाहे मुंह से आशीष बोल कर दो, वचन दो, और उसने मजदूरी की है, और उस समय मजदूरी का धन भी बनता है, अगर आपके पास धन है तो कोशिश करो, कोशिश नहीं देना ही है भाई, कोशिश करनी है, भले ही उसने वो नोट आपके हाथ में वापस पकड़ा दिया, वापस पकड़ा दिया कोई बात नहीं, उसको रख सकते हो, लेकिन आपको अपनी तरफ से एफर्ट डालना है कि हाँ भैया आप रिक्शा चला कर लेकर आए, आप मजदूर हो और आप मेहनत करने वाले इंसान हो, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको दूं क्योंकि आपने मेहनत की है, अगर मेरे पास कुछ भी नहीं होता, अगर मैं जेब खाली थी तो मैं आपको मुंह से आशीर्वाद दे सकता हूँ, ब्लेसिंग दे सकता हूँ, है ना, ऐसा कर सकते हैं। और दूसरा, अगर सामने वाले को एक ये भी तरीका है कि अब ये भी बहुत डीप इंटीमेसी वाली बात है, डीप वाली बात है, लोग इस बात को सुनेंगे तो पता नहीं क्या कहेंगे, लेकिन परमेश्वर इन बातों के प्रति ना बहुत बहुत गहराई से, बहुत अच्छे तरीके से देखता है, वो हमारे दिल की जांच करता है, पैसे तो नहीं है इसके पास, इसने मुंह से तो आशीष दे दी, तो मान लो मैंने बोल दिया भैया पैसे नहीं है चलो परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, प्रभु मन में डाल रहा है इससे पूछ इसका पेटीएम नंबर क्या है, पेटीएम करना है, भैया मेरे को पेटीएम नंबर दे दो, कोई बात नहीं मैं पेटीएम कर दूंगा आप चिंता मत करो, मेरे पास नहीं थे लेकिन मैं पेटीएम करने की कोशिश कर सकता हूँ आपको, लेकिन वो मना कर रहा है, मना करते करते चला गया,
इतने समय परमेश्वर ने मुझे परख लिया और उसने देखा मेरा बच्चा कितना ईमानदारी दिखाने की कोशिश कर रहा है, समझ रहे, बोने को लेकर इस हद तक, एक हद, एक पागलपन, बड़ा काटना चाहते हो ना, छोटे में ईमानदार रहना है। ये नहीं कि मैंने 1 लाख रुपए, 50 लाख, मतलब मान लो 50 लाख रुपए मेरी सैलरी है, 50 लाख में से 5 लाख रुपए दशमांश हो गया, मैंने तो बड़ा बीज बोकर आया हूं, लेकिन बाहर रिक्शे वाले के पैसे नहीं दिए, समझ रहे हो, कर्जदार है वो भी। चाहे चर्च में उसने 5 लाख रुपए बोल दी, लेकिन रिक्शे वाले के 10 रुपए नहीं दिए उसने, वो बेचारा पसीना पोंछ रहा है, वो इंतजार कर रहा आएगा, ये तो भाई, ये तो साफ जाते आराम से बैठ बाट के इतनी दूर से सफर किया, 50 रुपए बनने थे, कैसे ना कैसे करके 20 रुपए बात हुई, और 20 रुपए में से भी 10 रुपए दे कर गए, बोले 10 रुपए मैं अभी आके दूंगा इतना, और सोच रहे कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ चर्च के अंदर, बहुत बड़ा बीज बो रहा हूँ। कई बार तो एक विश्वासी अपनी गवाहियों को खराब करता है, ऑटो वाले से, रिक्शे वाले से, बस वाले से लड़ जाते हैं, क्या बोल रहे हम, अरे तुझे तो यहां बोला था उतारने के लिए, तो नहीं उतार दिया, अरे यहाँ क्यों, अरे इतने पैसे लिखे थे उसमें, तू इतना क्यों कह रहा है, उसको बताओ कोई बात नहीं, 5-10 रुपए एक्स्ट्रा चले भी गए ना, तो बोलो हम खुदा के लोग हैं, कोई बात नहीं भाई, आप ईमानदारी से बोलोगे ना तो हम आपको 5 रुपए 10 रुपए एक्स्ट्रा दे सकते हैं, हमें हमारा प्रभु देगा, लेकिन आप, हम प्रभु के लोग हैं, हम ईमानदारी से जीने वाले लोग हैं। प्रभु ने कहा झूठों से परमेश्वर नफरत करता है, धोखे का धन उड़ जाता है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता आप सच कह रहे हो क्या है, सच जो भी है प्रभु जानता है, लेकिन मैं, कोई बात नहीं, मैं प्रभु को जानता हूँ, प्रभु ने मुझे सिखाया है कि अगर तुझसे कोई मांग रहा है, अगर कुछ ले रहा है तो उसको दे दे, लेकिन प्रभु के नाम की निंदा ना हो, ठोकर ना खाए, अपनी फायदे की वस्तुओं को अपनी हानि की समझना है, यीशु के लिए, उसके काम को ऊंचा उठाने के लिए, उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए, समझ रहे हो। हो सकता है 10 रुपए मेरे काम आ सकते थे, लेकिन 10 रुपए मैंने उस बंदे को एक्स्ट्रा क्यों दे दिए, वो बोल रहा भाई तुम्हारे 10 रुपए एक्स्ट्रा बने, मुझे पता है 10 रुपए एक्स्ट्रा नहीं बने, लेकिन मुझे दोष नहीं लगा, तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रही है बहन, तू झूठ बोल रही है, रिक्शा चला रही है और तू झूठ बोल रही है, तू भाई बस चला रहा है, रिक्शा चला रही है बहन, बैटरी रिक्शा चला रही है, तू झूठ बोल रही है, तेरे पैसे तो इतने बने ही नहीं है, यहाँ के तो 10 रुपए बनते हैं, तू मेरे से बोल रही है 20 रुपए, तू झूठ बोल रही है, दोष ना लगाए, सच बता रहा हूं मैं, वहां चूक जाता है एक विश्वासी, जा रहा होता है चर्च, सोचेगा भरपूरी की आशीष पाऊंगा, हाथ हिलाऊंगा, अन्य भाषा बोलूंगा, मेरी जेब भर जाएगी, मेरे रास्ता खुल जाएंगे, बंधन टूट जाएंगे, लेकिन मेरे बच्चे बंधन जहां तेरे टूटते टूटते ना, वो सड़क पे ही टूट जाते, सड़क पे ही तेरे बंधन टूटते, सड़क पे ही तेरी आशीषें खुल जाती, जैसी तू अपने बटुए में से उसको तू अपनी तरफ से बेस्ट करके देती, तू मेरे गुणों को प्रकट करती, उसको ये जरूर बताती कि भाई मुझे नहीं पता आप क्या बोल रहे हो, सच है झूठा मुझे नहीं पता, लेकिन प्रभु का वचन मुझे सिखाता है कि मुझे धोखा नहीं देना है और मुझे झूठ नहीं बोलना है, अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको 5-10 रुपए एक्स्ट्रा दे देती हूँ, आप चिंता मत करो, लेकिन मैं यीशु मसीह को जानती हूँ, यीशु मसीह मुझे सच्चा सिखाता है, और क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है झूठ का धन तो उड़ जाता है और परमेश्वर झूठों से नफरत करता है, मैं आपसे 10-20 रुपए लेकर मेरे को बड़ी हजारों की आशीषें नहीं रोकनी अपनी, अपना नुकसान नहीं करना है, बीमारियों में नहीं जाना है, हो क्या अगर मैंने आपके यहाँ से लेकर चले, क्या पता बीच में से किसी ने मेरा बटुआ छीन लिया, या ये मेरी चेन टूट गई, या मेरा कुछ खो गया, फोन चटक गया, 10 रुपए आपके पास देना भला है, 2,000 रुपए मुझे अपने को फोन ठीक कराने देना भला नहीं है, तो ना इतने में ही आत्मा छेद देगा उसको, और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूं ऑटो वापस मोड़ कर आएगा, दीदी रुको मैंने चेक किया उसके अंदर, हाँ पैसे सही कहा था आपने, ये लो 10 रुपए आपके, समझ रहे हो, आपने मुझे 10 रुपए एक्स्ट्रा दे दी, ये लो मैंने मीटर में चेक किया, सॉरी माफ कर देना, अपना कार्ड दे दो, क्या बताया आपने, यीशु मसीह वाले हो, अच्छा आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, एक छवि छूट गई, छवि छूट गई, खुदा के लोग प्यार से जीत दिखाते हैं, ये नहीं कि 10-20 रुपए के चक्कर में लड़ बैठे, तूने इतने में उसके इतने लिए, तूने मेरे 50 रुपए ले लिए, पर वो चेक करता है कभी भी, भैया वो मेरे बगल में बैठी, वो भी मेरे साथ बैठी, उसके 10 रुपए मेरे 20 रुपए काट लिए, तूने क्या 20 रुपए लगते, वो तो 10 रुपए देके चली भी गई, और तूने मेरे से बोला 20 रुपए, तो 20 रुपए किस बात के दू, भैया देखो ईमानदारी से कुछ अच्छे शब्द बोल सकते हैं, देखो भाई मैं यीशु मसीह को जानती हूँ, प्रभु मुझे सिखाता है धोखाधड़ी मत करना, जो इंसान बोता है वो काटता है, 2-4 वचनों के सामने ऐसे बोल दो, आपको आपके मुंह से ऐसे वचन निकले कि उसको ऐसा लगे कि उसको भी नहीं बोला जा रहा है, कि उसको ऐसा महसूस हो कि अचानक ही इनडायरेक्टली परमेश्वर का वचन उससे तुरंत बात करे, कोई बात नहीं भैया आप, कोई बात नहीं 10 रुपए एक्स्ट्रा ले जाओ, लेकिन मुझे नुकसान नहीं करना है, अगर मैंने आपके, अगर आपने सच बोल रहे हो, अगर मैंने आपकी 10 रुपए कमाई मैंने रख ली ना,
तो मेरा 10,000 का नुकसान हो सकता है। अगर मैं सच हूं, अगर आप गलत हो, तो वो तो प्रभु ही जाने। कोई बात नहीं भैया, आप ले जाओ, प्रभु मुझे सिखाता है, प्रभु मुझे सिखाता है कि माफ करो, अपनी तरफ से जितना हो सके उतना दे दो। प्रभु ये सिखाता है कि ईमानदारी से चलो, विश्वास के रहो, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तुम मेरे गुणों को प्रकट करो, तुम झूठ की कमाई को मत कमाओ, तुम ईमानदार रहो, वफादार रहो। परमेश्वर मुझे परख सकता है, हो सकता है, क्या पता आपकी परख हो, सकता है मेरी परख हो। अगर मेरी परख है तो मेरे को नहीं गिरना है 10 रुपए के चक्कर में, चाहे तू सच बोल चाहे तू झूठ बोल, ले भाई ले जा। समझ रहे हो गंभीरता। बहुत बार चुके है ना, दूध वाले की दुकान पर गए, 500 का नोट, 100 रुपए का नोट दिया, 200 का नोट दिया, और क्या कहते हैं, हमने दूध की थैली ली 60 रुपए की। अब दूध वाले को लगा कि इसने 500 का नोट दिया है। अब दूध वाले ने, बेचारे ने दूध की थैली भी दे दी और उसने 500 का नोट समझ के एक्स्ट्रा पैसे भी दे दिए। कितने हो गए, 440 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए। उसने सोचा 500 का, और हम सोच रहे हो खरारे नोट आ गए, मम्मी को नहीं बताऊंगा, मम्मी को दूंगा 140 रुपए, मम्मी ले और बाकी पैसे 240 रुपए, 340 रुपए जो भी होते हैं वो मेरी जेब में जाएंगे। ना मम्मी को पता चलेगा, दुकान वाले को तो पता है ही नहीं, लेकिन प्रभु को तो पता है, प्रभु को तो पता है। जब तक तू कौड़ी कौड़ी ना भर देगा, तब तक तू छूटने ना पाएगा। समझ रहे हो। एक चीज है, आपको बताया था ना, मेरे को कई बार नोट ऐसे मिले खराब, कई बार सिक्के बेकार से मिले मेरे को। पता क्या हुआ है, आपको बताया पहले भी, सिक्का मेरे को खराब मिला, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने लेके रख लिया। अब मुझे पता नहीं हुआ कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया। अब परमेश्वर मेरे को मन में बात कर रहा है, अगर ये नकली सिक्का तूने दे दिया ना, तूने दे दिया तो मेरा नाम खराब हो सकता है। अगर बाय चांस उसको पता नहीं चला कि तूने नकली सिक्का उसको दिया है, उसको नहीं पता चला, मेरे को पता है, दूसरी ये गलती, यहाँ गलती हो सकती है, धोखा देने की कोशिश कर रहा हूं मैं प्रभु को या मनुष्य को। तीसरी ये गलती, अब मैंने जब सिक्का दे दिया है, अगर वो सिक्का उसने रख लिया, अगर वो सिक्का उसने किसी और को दिया, अगर वो सिक्का उसने किसी और को दिया, अगर किसी और को वो सिक्का मिल गया और वो चला गया लेकर, और वो बोले अरे ये सिक्का मेरे पास नकली, खास उस दूध वाले ने दिया था, तुरंत उसके बारे में वो 1 10 का सिक्का ना श्राप निकलवा सकता है, गालियां निकलवा सकता है, और वो 10 का सिक्का जो नकली था वो पाप का कारण बन सकता है। हो सकता है 10 रुपए के चक्कर में तूने दिया, नहीं मैंने कब दिया, तूने दिया, मेरे पास नहीं आते ऐसे सिक्के, तूने दिया, मैं अभी तो दूध लेकर गया, तूने दिया, मैंने कब दिया, कर करके लड़ाई दंगा, एक दूसरे की गर्दन पकड़ना, बगल में भारी कोई भरकम चीज पड़ी, गुस्से से आउट ऑफ कंट्रोल, बस उठाया धमाधम, 10 रुपए के चक्कर में 10,000 का नुकसान कर दिया, सामान तोड़ दिया, सर पे पट्टी बनवा ली। ठोकर कारण कौन बना, वो जिसको पता था कि मेरे पास नकली सिक्का है लेकिन फिर भी चला देता हूं मैं, वो ठोकर का कारण बना। गालियां बक दी बीच में, श्राप दे दिए, अरे पता नहीं किसने दे दिया, अरे उसका तो ऐसा हो, उसकी माँ ऐसी हो, उसका बेटा ऐसा हो, उसके घर में धन ये हो वो हो, 636 बातें कैसे श्राप। अगर किसी बूढ़े बुजुर्ग के बारे में आ गया तो बूढ़े बुजुर्ग से मुझसे तो ज्यादातर कैसी कैसी बातें निकलती आपको पता है, मिनटों में, है ना, धोखाधड़ी। हमें अगर चाहते ना कि हमारे लिए बड़ी आशीष खुले, तो छोटे में हमें ईमानदार रहना है। हमने कितना भी बड़ा दशमांश दिया है, कितनी भी बड़ी ऑफरिंग दी है, लेकिन वो परमेश्वर हमें हमारे घर में परखता है। और एक चीज है, आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन जो आपके पास है ना वो सामर्थ्य है, ध्यान रखना, आपके पास कुछ नहीं है लेकिन जो आपके पास है वो सामर्थ्य है। मैं क्या कह रहा हूं समझो इस बात को, आपके पास कुछ नहीं है लेकिन जो आपके पास है वो सामर्थ्य है, दिखते कंगाल जैसे लेकिन बहुतों को धनी बना देते हैं, लिखा है ना पौलुस ने, कहा है ना, दिखते कंगाल जैसे लेकिन बहुतों को धनी बना देते हैं। आपके पास कुछ नहीं है लेकिन आपके पास जो है वो सामर्थ्य है। लोगों की दृष्टि में आपके पास कुछ नहीं है, लोगों की दृष्टि में तेरे पास कुछ नहीं है, तू मेरे लिए क्या कर सकता, तू मेरे लिए क्या कर सकता है, तूने किया ही क्या है मेरे लिए, है ना, बहुत कुछ अच्छा करने के बाद भी लोगों के द्वारा। कई बार हम भी बोलते हैं प्रभु मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, लेकिन प्रभु कह रहे जो तेरे पास है ना वो सामर्थ्य है। एक बार है ना, जो फुटपाथ पर बैठा है ना उसके पास जाकर 2 मिनट बैठ जा, उससे पूछ सब ठीक है, उससे पूछ सब ठीक है, बस इतना पूछियो,
और जब वो आंसू के साथ बताना शुरू करेगा ना, तब तू बोलेगा, हाँ प्रभु, जो मेरे पास है ना वो सामर्थ्य है, जो मेरे पास है ना वो बहुत है, जो मेरे पास है ना मैं तो कभी सोचा भी नहीं था, परमेश्वर ये मेरे बगल में बैठा है, इसके पास तो ना तो तू है, ये तो ना तो तेरे वचन को जानने वाला व्यक्ति है, इसके पास तो कोई अपना दुख पूछने वाला भी नहीं है, कोई ये पूछने वाला नहीं है कि क्या पानी प्यास लग रही है, कोई ये पूछने वाला नहीं कि भूख लग रही है, कोई ये पूछने वाला नहीं दर्द हो रहा है मलहम लगा तू, कोई ये पूछने वाला नहीं कि मैं तेरे लिए दुआ करूं। लेकिन यीशु कहता है, मैं तेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता हूँ, यीशु कहता है मैंने तेरे आंसू को देखा है, यीशु कहता है जब मैं पेड़ पे बैठे पक्षियों की केयर करता हूँ, ध्यान रखता हूँ, तो मैं तुझे क्यों ना दूंगा। यीशु कहता है तू तो याजकों का समाज है, तू तो चुना हुआ वंश है, राजपदधारी है, मेरी निज प्रजा है, मेरा फरसा है, मेरा प्रिय है, तेरे लिए मैंने अपनी जान दी है। और तू सोच रही है, तू सोच रहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, लोगों ने कह दिया और तूने मान लिया, परिस्थितियां बता रही और तूने मान लिया, हालात बता रहे तूने मान लिया, इस कुछ नहीं में से तू बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकती है। विधवा को याद करो, जैसे कल बताया गया था, विधवा के पास क्या था, मुट्ठी भर मैदा, थोड़ा सा कुपी में तेल, उसको पता था ये खाएंगे हम तब भी मर जाएंगे, नहीं खाएंगे तब भी मर जाएंगे, लेकिन उसके पास वो कुछ नहीं की दशा में, जब उसने उसको दिया जिसके पास कुछ नहीं था, किसको दिया, एलिया को दिया, समझ रहे हो, प्रभु कुछ कहना मांग रहा है, जब आपने कुछ नहीं की दशा में, जो आपके पास जो कुछ भी था वो सामर्थ्य था, वो उसके लिए सामर्थ्य था जिसके पास सच में कुछ नहीं है, एलिया भूखा था, एलिया के पास कुछ नहीं था, लेकिन एलिया को परमेश्वर ने भेजा, जा मैं तुझे भेजता हूं किसी को खिलाने के लिए, जब परमेश्वर एलिया को भेज रहा होगा तो एलिया के मन में आया होगा, हो सकता है कि प्रभु तू मुझे भेज रहा है इसके पास, तो खुद अपने एक अपने अपने खाने के लिए नहीं है, तो अपने बच्चे को खिलाना चाह रही है, इसके बच्चे के लिए नहीं है, तो एक बार का टाइम का खाना है, इसके बाद खुद नहीं, कहीं तूने परमेश्वर गलत तो नहीं भेज दिया है, मन में विचार आ सकता है मनुष्य की बातों का, समझ रहे हो, तूने मुझे कहां भेजा है, सोचो जहां परमेश्वर भेज रहा है ना वो कुछ बताना चाह रहा है, जिसके पास कुछ नहीं है ना वहां से मैं सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता हूं, तो सोच मैं तुझे क्यों ना खिलाऊंगा, समझ रहे हो, जिस विधवा के पास कुछ नहीं की दशा में थोड़ा सा मुट्ठी भर मैदा, थोड़ा सा तेल, बेचारी लकड़ियां बीनने के लिए चली गई, वापिस आ रही है, और उस कुछ नहीं की दशा में इतने में एलिया आ गया, खट 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 खट, कोई है, अरे भूख लग रही है, क्या अपने पति से ज्यादा प्यार तो मैं अपने बच्चे से करती हूँ, पति तो खत्म हो गया, बच्चे के अलावा तो कोई और मेरी संपत्ति नहीं है, ये रोटी तो मैं अपने बच्चे को ही खिलाऊंगी, तुझे भूख लग रही है, कोई है, मुझे भूख लग रही है, क्या करूं, तू यहोवा का जन है, चल मुझे पता है कि ये खाने के बाद भी मुझे मरना है, नहीं खाऊंगी तब भी मुझे मरना है, लेकिन जो मेरे पास आया है उसके पास तो वो भी नहीं है, एलिया को बनाकर दे दिया, एलिया ने क्या कहा, एलिया ने क्या कहा, तू और तेरा घराना, तू और तेरा बच्चा इसमें से खाते रहेंगे, ब्लेस होंगे, किसी बलि वस्तु की तुम्हें कोई घटी ना होगी, भविष्यवाणी की थी एलिया ने कि तू और तेरा पुत्र बहुत वर्ष तक खाते रहेंगे, इतना दिया, कैसे दिया, है ना, समझ रहे हो, जब हम अपनी कुछ नहीं की दशा में उस पावरफुल को, उस शक्ति को समझ गए, जो हमारे पास सब कुछ है, कुछ नहीं की दशा में बहुत कुछ है, सब कुछ है, जैसे बताया ना, दिखते कंगाल जैसे लेकिन बहुतों को धनी बना देते हैं, अब दिखते कंगाल जैसे हैं, अब वो कंगाल भी बहुत धनी है, आत्मा में धनी थी वो स्त्री, उसने अपनी घटी में से जब बो दिया, सारा दे दिया, थोड़ा नहीं सारा दे दिया, तो परमेश्वर ने देखा, अरे इसने बोया है, इसने बोया है, और प्रभु ने क्या कहा कि मैं किसी का कर्जदार नहीं हूं, तू मुसाफिर और दूसरे देश विदेशियों वालों को अपने घर में पना देना, उनकी देखरेख करना, जैसे अब्राहम ने करी थी, अब्राहम को नहीं पता था कि मैंने किसकी देखभाल की है, किसको खाना खिलाया है,
बो दिया उसने। और अब्राम को पता तक नहीं था कि अभी ये जाते टाइम बस 3 कदम आगे बढ़ाएंगे, इतने पीछे मुड़कर कहेंगे तू देख अगले साल तेरे पास बेटा होगा। हो खुदा, सीधा जड़ पर अटैक मारा इस मेरे छोटे से बोने के द्वारा, सीधा जड़ पर अटैक मारा, तोड़ दिए मेरे सारे श्राप मेरे पूर्वजों से चले आ रहे थे सिर्फ इस खिलाने के द्वारा। मैं तो सोच रहा था तेरी वेदी पर जाके मैं तुझे ये चढ़ाऊंगा वो चढ़ाऊंगा, तब मैं तुझसे विनती करूंगा, मैं तेरे लिए दुआ करूं, मैं तुझसे दुआ करूंगा, तब तू मुझे आशीष देगा। पर उन्होंने कहा नहीं, जो आया था वो मैं ही था, तूने मुझे भेंट दे तो दिए। सीधा उन स्वर्ग दूतों ने जो अब्राहम के पास आए थे उन्होंने कहा, जड़ पे अटैक मारा, तेरी पत्नी सारा के द्वारा तुझे एक पुत्र होगा। आज खुदावन आपकी जिंदगी के हर एक उस हिस्से पर जो कठोर था जो बना हुआ था, आज खुदावन की आग, आज खुदावन का वचन हथौड़े के समान आज उसके ऊपर आकर पड़े और इसी समय आपकी उन परिस्थितियों को तोड़ दिया जाए यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से। आज वो बंधन टूट जाए और आपकी हदें बढ़े। आमेन। जब हम आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर कुछ कहना चाह रहा है आप सब मुझसे, प्रभु मैं गरीबों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, मैं दूसरों की मदद करना चाहता हूँ, मदद करना चाहती हूँ। अपनी इसी शक्ति पे जा, यहोवा तेरे संग है। पता है कल जब मैं ये उदाहरण के तौर पर आपको बतला आ रहा हूं ताकि आप लोग सीखो, ढोल नहीं लेकिन आपके सीखने के लिए, इस बात को समझो, कोई है जो इंतजार कर रहा है, कोई है जिसके पास कुछ नहीं है, वो बहुत कुछ, किसी के बहुत कुछ होने का कि वो उस बहुत कुछ वैसे मुझे कुछ दे दे, वो इसका इंतजार कर रहा है। किसका इंतजार कर रहा है? वो आपका इंतजार कर रहा है कि जो आपको लग रहा है कि आपके पास कुछ नहीं है लेकिन आपके पास बहुत कुछ है, जो आपके पास है वो शक्तिशाली है और उस शक्तिशाली का ही इंतजार कर रहा है वो व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है, कि आप उसके पास जाओ। कल जब मैं गया, मेरी वाइफ को मन में डाला परमेश्वर ने कि, और प्रभु का वचन भी कहता है जब तू उपवास करे तो अपनी रोटी उनको दे जिनके पास नहीं है, दूसरों के दुखों में दुखी होना जान, बातचीत कर, अपनी जुबान की चौकसी रख, नम्र और दीन रह। जब तू इस प्रकार से करेगा तो तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। यहोवा तुझे शांति दिया करेगा, तुझे आशीष देगा, तेरे शत्रुओं को तेरी जिंदगी से दूर करता रहेगा। आज हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं अगर कोई शत्रु है तो आज आप आजादी को पाने वाले हो। अगर कोई मनुष्य में, कोई आत्मिक रूप में अगर कोई शत्रु है तो आज आप आजादी को पाने वाले हो। आज वो आपकी जिंदगी से दूर होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आज वो आपकी जिंदगी से दूर होंगे। परमेश्वर उनको दूसरे, अगर कोई मनुष्य में है तो उनको भले काम में, दूसरे भले काम में बिजी कर देगा। अगर कोई दुष्ट आत्मा है तो आज वो नाश की जाएगी। अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी का अंधकार दूर हो तो आज वो, आज आपकी जिंदगी का अंधकार दोपहर का सा उजियाला होने जा रहा है, उजियाला होने जा रहा है। अब उसके लिए आपको करना क्या है? प्रभु के वचन में लिखा, यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे तो तेरा अंधकार, तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। आमेन। उस उपवास के दौरान हमें उंगली नहीं उठाना है, जज नहीं करना है, दुष्ट बातें नहीं बोलनी है और उस समय अपनी रोटी, अपने हिस्से की रोटी बनाने। भैया मैं तो अकेला रहता हूँ घर के अंदर, मैं तो एक कमरे में अकेला ही रहता हूँ, मम्मी से बोलूंगा तो मम्मी कहीं चिमटा ना धर दे कि तू बड़ा उपवास रखा, तू बड़ा यीशु यीशु कर रहा है। मैं कैसे खिलाऊं किसी को? 5 रुपए पड़े ना बिस्किट का पैकेट जाके किसी को दे देंगे ना? खुदा मैं किसी मनुष्य को नहीं, आपको दे रहा हूँ। तेरे वचन के कहे अनुसार मैं इतना ही कर सका प्रभु, मेरी सामर्थ थोड़ी सी है, लेकिन उसको स्वीकार कर। प्रभु देखेगा मेरे बच्चे, तूने सोच लिया था तभी से तेरी आशीष खुल गई, तूने सोच लिया था तभी से तेरी आशीष खुल गई। क्यों? क्योंकि तूने वचन को पूरा किया, जब मैं भूखा था तू मेरे पास मिलने के लिए आया, तूने मुझे खिलाया। हालेलुया। मौका मिलता है आप लोगों को तो अपने घर से बाहर निकलो, पैम्पलेट्स है तो पैम्पलेट्स लेकर, पैम्पलेट्स मतलब सुसमाचार प्रचार के जो कागज होते हैं जिन पे यीशु मसीह के बारे में लिखा रहता है। अगर वो नहीं है, तुम्हारी जुबान तो है, अगर लग रहा है कि बोल नहीं पाते हो, प्रभु से प्रार्थना करो प्रभु मुझे अनुग्रह दे। अगर फिर भी नहीं बोल पा रहे हो कोई बात नहीं, एक राइट टाइम रखा है, लेकिन आपके हाथ तो हैं,
जो बनाकर खिला सकता है, चाहे दो रोटी। प्रभु ये नहीं कह रहा कि तू भंडारा करा दे, प्रभु कह रहा थोड़े से थोड़े में अपनी घटी में से। उस स्त्री ने अपनी दो दमड़ियां बोई थी, है ना, दो दमड़ियां बोई थी उस स्त्री ने, उसके बारे में यीशु तुरंत चिल्ला उठा, तुरंत चिल्ला उठा, ओए इसको कुछ नहीं कहना कोई भी, इसने सबसे ज्यादा बोया है, समझ रहे हो, सबसे ज्यादा बोया है इसने, तुमने कितना बोया है, मैं इसने तो इसने 10 रुपए बोए हैं, मैंने 500 रुपए बोए हैं, अच्छा तूने कितना बोया है, मैंने 1,000 बोया, तूने 2,000, तूने 3,000, तूने 5,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 20,00,000, ठीक है ओके, तुम्हारे घर पे कितना है, 5,000 तो होगा, 500 तो होगा, खुद का घर होगा, सब होगा, कितना होगा, कुछ तो है, हाँ बहुत है, धन तो है मेरे पास, तुमसे ज्यादा बोया है इसने, कैसे बोया है, कैसे बोया है, 10 रुपए बोए हैं हमने, इससे बड़े बड़े नोट डाल दिए हैं, कैसे बोया है, अपनी जिंदगी की जमा पूंजी इसने डाल दी है, चाहे वो 10 रुपए थी, चाहे वो 10,000 थी, जिंदगी की सारी पूंजी डाल दी है, लेकिन तुम तो आधा तुम्हारा घर पे पड़ा हुआ है और तुम बोल रहे हो तुमने इससे अच्छा बोया है, समझ रहे हो, तुम्हारा आधा तुम्हारे घर पे पड़ा हुआ है। प्रभु ये नहीं कह रहा कि अपना घर बेचकर ला दो, प्रभु के कहने का मतलब ये है कि तुम जज मत करो, हर्ष से, आनंद के साथ, खुशी के साथ, ईमानदारी से बोलो, समझ रहे हो आप लोग, प्रभु ये नहीं कह रहा कि अपनी प्रॉपर्टी बेचकर ला दो या अपने अपने अपनी जायदाद मेरे नाम करा दो, प्रभु कह रहा स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे चरणों की चौके, तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे, मेरे रहने का कौन सा स्थान होगा, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, मैं तो तुम्हारे अंदर वास करता हूं। प्रभु हर से बोने वालों से प्रसन्न होता है, तूने जो 2,000 बोए, तूने जो 10,000, तूने जो 20,000, तूने जो 1,00,000 बोए ना, कोई कुड़कुड़ाकर आया है, किसी ने चोरी का बोया है, किसी ने किसी का मतलब मारकर बोया है, और कोई लड़कर आया घर से, कोई बड़बड़ाकर बो रहा है, कोई बोझ से बो रहा है, अरे बोना तो पड़ता ही है, वो लोग कहते हैं, पास्टर लोग कहते हैं बोना तो पड़ता ही है, क्या फायदा हुआ तुम्हारे बोने से, समझ रहे ना, बोझ के साथ नहीं, हर्ष से। देखो मेरे मन में पहले आता था, प्रभु हमने इतनी ऑफरिंग बोई है, नहीं प्रभु इतनी इतनी बोनी है, प्रभु ने क्या कोई लिमिट बना रखी है क्या, इतनी बोनी है, प्रभु मैंने इतना टाइट दिया, इतना ही देना है, बोने वाले कोई 50% देता है, कोई 100% देता है, कोई 10% देता है, कोई 10% भी नहीं दे पाता है ना, मैंने बहुत सी चीजों को अपनी जिंदगी में अनुभव किया है और दूसरों की जिंदगियों के द्वारा सीखा है। अब परमेश्वर इस बात के विषय में सिखलाता है कि वो हर्ष से बोने वालों से प्रसन्न होता है, जो जितना देते हैं उनकी बढ़ती होती है, जो यथार्थ से कम देते हैं उनकी घटती होती है। परमेश्वर परिस्थिति को जांचता है, मान लो मेरे पास 50 रुपए हैं, उदाहरण समझना, मेरे पास पता है आप सभी को पता है कि हम दशमांश नहीं लेते हैं, लेकिन प्रभु का आत्मा अगर किसी से अगुवाई करता है, बात करता है, तो वो लोग ऑफरिंग है, खुशी से कुछ अगर प्रभु उनको अगुवाई करे तो वो लोग हमारे पास कुछ अपनी भेंटे भेजते हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मेरे पास है ना कई लोगों के ना छोटी से छोटी ऑफरिंग आई है, और खुदा मैं सच बता रहा हूँ, आज मुझे वो दिन याद दिलाता कि एक दिन एक टाइम था मेरा कि मैंने 3 रुपए भी बोए थे, और उसके अगले दिन एक टाइम था मेरा, उसी के अगले दिन की बता रहा हूँ मैं, कि मेरे पास वो 3 रुपए भी नहीं थे, मैं रोया था। आपको पता है जिन लोगों ने बहुत छोटे छोटे बीज बोए हैं, कर्जदार नहीं है परमेश्वर, आपको जड़ आपकी जड़ों को मजबूत कर रहा है, आपको ईमानदार वफादार बना रहा है थोड़े में। मेरे पास आए हैं कोई, जैसे 10 रुपीज किसी ने सेंड कर दिया, किसी ने 15, किसी ने 20, एक बहन है वो अपने बच्चे अपने छोटे बच्चे की भी 10 रुपये इस बाबू की तरफ से, छोटी सी ऑफरिंग हमारी तरफ से, ऐसे ऐसे करके बहुत सीरियसली बहुत हैप्पी होते हैं कि बच्चे को बोना सिखा रहे हैं, बात अमाउंट की नहीं है, प्रभु धन नहीं देख रहा है, मैंने क्या कहा, प्रभु धन नहीं देख रहा है, प्रभु दिल देख रहा है, जब मेरे पास कुछ नहीं था मैं रोया था, मैंने बटुआ दिखाया, खुदा देख मेरे पास नहीं है आज, और कुछ ऐसे मोमेंट्स हुए, मैंने डायरी के अंदर वो मोमेंट लिखे हैं, खुदा देख मेरा अमाउंट, मेरा अकाउंट, मेरा वॉलेट, मेरी पत्नी का लिखा है मैंने डायरी के अंदर, मैं सच बता रहा हूँ आपको, आज भी लिखा हुआ है, मैंने अपनी उन चीजों को लिखा है, इसे लिखा है कि जब मेरा परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा ना, तो ये लिखा हुआ है गवाही बनेगा, समझ रहे हो,
कि आप ही की जिंदगी में घटी नहीं आई है। हम जो आज बोल रहे हैं ना, हम भी घटे से होकर गुजरे हैं। आप ही भूखे नहीं रहे हो, आप ही की जिंदगी में विरोध नहीं हुआ है, आप ही की जिंदगी में सताव नहीं हुआ है, आप ही को घर से नहीं निकाला गया है। अपने होने के बाद भी आप ही को ऐसा व्यवहार नहीं हुआ, आप ही के साथ ऐसा व्यवहार नहीं हुआ कि अपने होने के बाद भी ऐसा व्यवहार की पराया जैसा महसूस हमारे साथ भी हुआ है। समझ रहे ना आप लोग? जो चुप रहकर दुख को सहता है वो परमेश्वर को भाता है, और प्रभु कहता है मुझे भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जब मैं ऑफरिंग बोता था, मैं और मेरी पत्नी, हमने सोच रखा था परमेश्वर इससे हमारी ऑफरिंग कम ना हो, इससे बढ़ती जाए। एक टाइम आया हमारी ऑफरिंग बढ़ी 10 से 20, 20 से 30, 30 से 60, 50, ऐसे करके धीरे धीरे करके बढ़ी और आगे बढ़ती गई। कुछ टाइम ऐसा आया ऑफरिंग कम होने लग गई, कम होने लग गई, और कम होने लग गई, और कम होने लग गई, और कम, और कम। एक टाइम ऐसा भी आया कि बिल्कुल नहीं थी, और टाइम ऐसा भी था कि प्रभु मुझे पता है ये इंतजाम करना है, वो इंतजाम करना है, लेकिन हमने तेरा वचन सीखा है, तेरा वचन ने हमें बात की, हमें आशीष मिली है। इंतजाम तो तू करेगा हमें नहीं पता, लेकिन हमें ईमानदार रहना है। मैंने उसको, हमने उसको बो दिया। वो ऑफरिंग चाहे 10 रुपए थी, चाहे 5 रुपए थी, चाहे कुछ भी था, कितना भी था, लेकिन परमेश्वर ने देखा उसको। कोई प्रभु के दास दासी जोर नहीं दे रहे हैं हम पर कि शांकी तुझे इतना बोना है, प्रभु हमसे नहीं बोल रहा तुझे इतना ही बोना पड़ेगा तब मेरे भवन में आगे, नहीं, प्रभु को पता है मेरे बच्चे की परिस्थितियां क्या है। समझ रहे हो? प्रभु को पता है, लेकिन हमारे साथ ऐसा भी हुआ है। प्रभु देख बड़ी तो नहीं है, लेकिन ये छोटी सी ऑफरिंग को स्वीकार करना। अब छोटी ऑफरिंग कर दी, प्रभु देख मैं बड़ी बोने के लिए बोला, लेकिन पता नहीं छोटी को स्वीकार करेगा नहीं करेगा। प्रभु कहता है मैंने तेरे दिल को ही मैंने तुझे पूरा स्वीकार कर ले, तू ऑफरिंग की बात कर रहा है, तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है, तू ईमानदार जैसा वफादारी वाला विचार भी तू अपने हृदय में लेकर आई, लेकर आया ना, वहीं से तू, तेरी भेंट मेरे सुगंधित धूप के समान नथुरों में पहुंच गई, बटुए में से तेरा नोट निकलने से पहले। इस आखिरी दिन में आपको बोने के लिए बताया जा रहा है, इस बात को समझना कि जब हम दिसंबर को पार करके या दिसंबर महीने में एंटर करें, जितना हो सके एड़ी चोटी का जोर लगाकर बोना, चाहे कोई रोटी बोए, चाहे कोई बिस्किट बोए, चाहे वो किसी की आंसू को पोंछने के लिए अपनी प्रार्थना बोए, चाहे कोई किसी के लिए उपवास बोए, जितना हो सके उतना बोना। चाहे कोई किसी के लिए अपनी तरफ से एक्स्ट्रा माइल जाकर काम कर रहा है, चाहे कोई किसी के लिए बेस्ट से बेस्ट खाना पकाकर बोल रहा है, इच्छा सिर्फ प्रभु से लगाना, मजदूरी आपको प्रभु देगा, मनुष्य नहीं। क्योंकि बात मेरी वाइफ ने मुझे बताया किस किस प्रकार का बोना होता है, मैंने कहा जैसा तू सोच रही वैसा भी बोना होता है। मेरी वाइफ ने कहा कि अगर जैसे कुछ काम हम करते हैं तो आप मेरे लिए प्रार्थना किया करो। मैंने कहा हाँ। फिर मैंने तुरंत प्रार्थना शुरू कर दी, प्रभु देख मेरी पत्नी जो काम मुझे करने होते थे कई बार वो मैंने नहीं करे, वो भी बहुत से काम इसने ये करती है, प्रभु देखिए मेरी पत्नी ने बोया इसको उसकी मजदूरी दे इसके लिए, प्रार्थना तो करी, प्रार्थना तो करे कम से कम, प्रार्थना भी बोना है। मैं धन से नहीं, हाथ से नहीं, काम से नहीं, ऐसे नहीं कर पा रहा, जिस समय जो हो रहा है कर डालो अगुवाई में होकर। समझ रहे हो? मम्मी पापा के लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाता था। कुछ दिन पहले मेरी वाइफ और मैं गए, मेरी वाइफ ने मम्मी को फोर्सफुली कहा कि मम्मी मेरे को आपके हाथ पैरों की मालिश करनी है, मतलब आपके शरीर की मालिश करनी है। मेरी वाइफ ने मालिश की, मम्मी बना गरीब बार लेकिन करनी है, मुझे पता है इसकी कितनी बड़ी आशीष है। मैंने नहीं रोका मेरी वाइफ को, कर। मैंने कहा मैं पापा को पकड़ लूंगा। मैंने पापा को पकड़ लिया, उसने मम्मी को पकड़ लिया। देखो याद आते हैं जब मेरी शादी नहीं हुई थी, कितना क्या कहते हैं पापा बोलते थे बेटा पैर दबा, पापा के पैरों में दर्द होता था। लेकिन शादी के बाद पापा मेरे से कई बार मन में रख लेते हैं, लेकिन मेरे को बोना है पापा, मुझे बोना है, और पापा मेरे को रोक नहीं, पापा नहीं मेरे को तुम दुआ दोगे अभी, मेरे को कुछ मत दो, प्रार्थना करनी, मैं पैर दबा रहा हूँ बेटा, मालिश कर रहा हूँ, तुम मेरे अच्छे से मेरे लिए दुआ करना। मैं अपने पापा को दोस्त करके बोलता हूँ, बेटा करके बोलता हूँ, यार करके बोलता हूँ, मेरे पापा है, हमारा अच्छा रिश्ता है ना। और तो पापा मेरे लिए दिल से दुआ करते हैं, और पापा जो दुआ बोल रहे हैं ना, उनको नहीं पता वो इस सेवा को भी, वो इस आशीष को, ब्लेसिंग को भी काटेंगे। जब उनका बेटा बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उनके उनका बेटे के द्वारा परमेश्वर उनके पापा के बेटे के द्वारा बाप की जिंदगी में काम करेगा। पापा क्या चाहिए, ये लो पापा, ये पहनना है, ये लो,
कहां से आया? क्योंकि बाप ने आशीष खोली थी बेटे के लिए, और बेटा फलवंत हुआ। और आशीष कैसे खोली? क्यों? क्योंकि बेटे ने बोया जो उससे हुआ। बहुत लंबा टाइम हो गया होगा बेटों को अपने माँ बाप का हाथ पैर या सर दबाए हुए, बोना आशा प्रभु से लगाना। बहुत लंबा टाइम हो गया होगा पत्नी के लिए, पति के लिए बेस्ट करने को लेकर, पति के लिए पत्नी को बेस्ट करने को लेकर, अच्छा करने को लेकर, लेकिन बोना अपना हाथ ढीला मत करना सेवा करने में। जो बड़ा है वो सबका दास बन जाए। हम यीशु के गुलाम हैं, सेवक हैं, समझ रहे हो? हमें दास बनकर, सेवक सेवक बनकर काम करेंगे ना तो हम बहुत ऊंचे पर जाएंगे। लेकिन उसने अपना सेवक ही नहीं कहा, उसने कहा तुम मेरे मित्रों, मेरे पुत्रों, मेरे याजकों का समाज चुना हो, वंश राजपदारी परमेश्वर की निज प्रजा हो, उसके चुने हुए लोग हो। अरे उसने, तुम दास ही नहीं, तुम मेरे यीशु से बढ़कर हो। परमेश्वर का वचन कहता तुम मेरे यीशु से बढ़कर हो। क्यों? क्योंकि तेरे लिए मैंने अपने प्रिय पुत्र को दे दिया, तुझे बचाने के लिए। जो इस समय तू सुन रहा है, जो इस समय तू सुन रही है, तू मेरी दृष्टि में कितना अनमोल और प्रतिष्ठित है। तेरे खाते मैंने अपने प्रिय पुत्र को दे दिया, इकलौते पुत्र को दे दिया। सोच, मैंने अपने इकलौते पुत्र को भी तुझसे बढ़कर नहीं जाना, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। एक आखिरी चीज, कभी बदलना मत। प्रभु के किसी दास ने कहा था कभी बदलना मत। सरिता बहन है, ये राजन भाई है, या कोई भाई बहन है हमारे बीच में, मैं सभी को कह रहा हूं, मान लो मैंने आपसे कुछ पैसे लिए, मैंने कहा 50,000 रुपये मेरे को दे दो, मेरे को काम है, मैं आपको 3 दिन में लौटा दूंगा। आपने मुझे 50,000 रुपये दे दिए। और एक और बंदा आया, अपराजिता बहन आई, अपराजिता बहन ने बोला सरिता बहन, राजन भाई मेरे को 50,000 रुपये दे दो, मेरे को काम है, आपको 3 दिन में लौटा दूंगी। तो अपराजिता बहन ने 3 दिन से पहले ही लौटा दिया, इंतजाम करके, जो काम था अपराजिता का, बहन का काम भी पूरा हो गया। लेकिन मेरे को 3 दिन नहीं, मेरे को 3 हफ्ते हो गए, 3 महीने हो गए, नहीं दिया। मैंने धोखा दे दिया सरिता बहन को, राजन भाई को। लेकिन आप लोगों ने मेरे लिए कभी बदलना मत। कहने का मतलब ये है, यीशु को पता था कि जिन लोगों को मैं खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, ये लोग मेरी बुराई करेंगे, ये लोग मुझे क्रूस पे लटका देंगे। लेकिन यीशु नहीं बदला। यीशु के मुंह पर थूका, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसको क्रूस पे लटकाया गया, तब भी यीशु नहीं बदला। यीशु ने क्रूस पर इस बात को प्रकट कर दिया कि हे पिता ने क्षमा करे, नहीं जानते क्या कर रहे हैं। अगर यीशु बदलता ना तो वो हमें क्षमा नहीं करता। अपने अंदर की उस आत्मिकता को मरने मत देना, खत्म मत होने देना। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मैंने 50,000 रुपये में आपको धोखा दे दिया और मैं दोबारा से 50,000 रुपये के लिए आपके पास आ गया और आपने मेरी बेइज्जती कर दी। नहीं, बेइज्जती नहीं करनी है। कहने का मतलब आप मेरे प्रति कठोर मत होना। अब इसका कहने का मतलब ये भी मत समझना कि अब मैं आपसे बार बार 50-50 हज़ार रुपये करके लूटता रहूं और आप देते रहो। नहीं, ऐसा भी नहीं करना है, समझ लो। चतुराई से, बुद्धिमानी के साथ, किसी कोई व्यक्ति अगर पाप के लिए ले रहा है, किसी प्रकार के लिए ले रहा है, अगर वो अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं कर रहा है, अगर आप दोबारा से उसको दे रहे हो, तो उसका मतलब हो सकता है कि आप दोबारा से कोई गलती कर रहे हो। लेकिन उस विश्वासी, उस मनुष्य के प्रति कठोर मत होना, जलन मत रखना, ईर्ष्या मत रखना। यीशु के मुंह पर थूका, यीशु ने ईर्ष्या नहीं रखी, तुरंत यीशु ने माफ किया। यीशु की दाढ़ी नोची गई, यीशु को सर पे कांटों का ताज पहनाया, जिस यीशु ने मुर्दों को जिलाया, रोटी खिलाई लोगों को, वही लोग यीशु मसीह को कह रहे हैं इसे क्रूस पर चढ़ाओ। यीशु नहीं बदला। यीशु के दिल में प्यार था, चाहे भले ही यीशु उनके लिए दोबारा कुछ कर नहीं पा रहा था, लेकिन प्यार था, समझ रहे हो? आपको कठोर नहीं होना है। हो सकता है अगर आप मेरे प्रति कठोर हो गए, तो क्या पता कोई और व्यक्ति आया कि कहीं आप उसके बारे में भी ये ना सोच ले, कहीं ये भी शैंकी जैसा निकला तो क्या पता ये भी लेकर भाग गया तो, और हकीकत में उसकी जरूरत है और हकीकत में वो आपको लौटा सकता है, और लौटाने के लिए वायदा कर रहा है और लौटाने की पूरी कोशिश भी कर रहा है और लौटा भी रहा है, कहीं आप उस व्यक्ति के लिए कहीं कठोर ना हो जाओ फिर मेरी वजह से। आप मत बदलना, क्योंकि आपका स्वभाव देने वाला रहे हमेशा। यीशु को मालूम था, मालूम था यीशु को, परमेश्वर को पता है मनुष्य जाति हटीली और ढीठ है, फिर भी यीशु ने यूहन्ना 3 को, परमेश्वर ने यूहन्ना 3 को 16 क्यों दिया हमें? अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, बाप नहीं बदला, समझ रहे हो? प्रभु को पता है, मालूम है परमेश्वर को कि ये फिर व्यभिचार में गिरेगा, फिर पाप में जाएगा, मेरे पुत्र को क्रूस पर चढ़ाएगा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैं फिर से देता हूं, मेरा स्वभाव यही था, यही है और यही रहेगा।
इसके लिए मेरे मन में से कड़वाहट दूर नहीं होगी, भले ही कुछ टाइम के लिए मैं आशीष रोक लूं, कड़वाहट नहीं रखूंगा, विरोध नहीं रखूंगा, जलन नहीं रखूंगा, ईर्ष्या नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं जलन नहीं, मैं प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर हूं, करुणा निधान हूं, क्रोध विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर हूं, क्षमाशील परमेश्वर हूं, दया का सागर हूं। मुझे पता है कि इसकी फितरत ऐसी है, मुझे पता है ये धोखेबाज है, लेकिन नहीं, इसके लिए मैं अपने मन में फिर भी आज प्यार रखूंगा, भले ही मैं उस एरिया में इसकी हेल्प ना करूं या मैं, लेकिन फिर भी अपने हृदय में इसके लिए प्यार रखूंगा, इसको अपने साथ बैठा कर खिलाऊंगा, इसके साथ बैठ के खाऊंगा, इसको इसको रिस्पेक्ट करूंगा कि इसके अंदर खुदा मेरा आज भी वास करता है। प्रभु मैं इसके लिए नहीं, मैं तेरे लिए कर रहा हूं, मैं तेरे लिए कर रही हूं। ये नहीं कि शैंकी, ये नहीं कि उस बंदे ने धोखा दिया, उसको घर में नहीं घुसने देना, अरे चल भाग, नहीं, अपनी अपनी आत्मिकता को खत्म नहीं करना है, प्रेम अपने अंदर का जो प्रेम है, नम्रता दीनता, उस स्वभाव को खत्म नहीं करना है, स्वभाव बना रहे, चाहे भले ही आप उस व्यक्ति की द्वारा मदद कर रहे हो नहीं कर रहे, लेकिन उसकी बेइज्जती नहीं करनी है, दुर्व्यवहार नहीं करना है, उसको उसके साथ उसका निकम्मा, उसके साथ ठट्टा नहीं करना, उसकी चुगली किसी और से नहीं करनी है, वो तो ऐसा वो तो वैसा नहीं, माफ करना है। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो और आपको फिर से वो विश्वास दिला रहा है, तो आप फिर से हेल्प, छोटी सी हेल्प कर सकते हो उसकी, ऐसा भी अगर आपको प्रभु अगुवाई करता है तो करना, लेकिन अगर अगुवाई नहीं करता उसमें हम कुछ नहीं कह सकते, समझना है। जैसे अब एक भाई है, उन्होंने बोला भैया मुझे ना कुछ पैसों की जरूरत है, ऑपरेशन कराना था मम्मा का, जरूरत है, देखो ये डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सेंड कर दिए, प्रूफ दे दिया, मन में आया तेरे पास है ना तो तू दे दे, उसने 10,000 मांगे, 10,000 नहीं दे सकता, तो जितना हेल्प कर सकते उतना कर, तो कोशिश करी, कुछ अमाउंट उस भाई को सेंड कर दिया प्रभु, और उसने बोला मैं इतने दिन में लौटा दूंगा, लेकिन नहीं लौटाया। अब उसको दोबारा पैसों की जरूरत पड़ रही है, वो घटी में चला गया, अपनी मुंह की बात के कारण वो भाई फंस गया था, क्योंकि उसने वाचा बांधी थी कि मैं लौटा दूंगा, और लिया किससे, प्रभु के लोगों से, और वो भी विश्वासी ही था, वो विश्वासी व्यक्ति रहा, विश्वासी व्यक्ति है वो, लेकिन हुआ क्या कि मैं किसी की बेइज्जती के लिए नहीं, लेकिन एक अनुभव के तौर पर बता रहा हूं, लेकिन उसकी जिंदगी में समस्या आई, लेकिन उसको सिखाना जरूरी था, प्रभु के पास जा, अपनी वाचा को पूरा कर, भय रख और बुराई से दूर रह, देख परमेश्वर तेरे को उठाएगा, टाइम लगा उसको, टाइम लगा, परमेश्वर अपने तरीके से सिखाया, और कुछ आने वाले टाइम में हमें पता चल गया, नहीं यार इसको नहीं दे रहे यार, ऐसी ऐसी बातें मांग रहे हैं, कैसे कर सकते, इसको बोलो प्रभु की ओर ताके, है ना, क्योंकि अगुवाई नहीं हो पा रही है पूरी तरीके से, और सच में उसकी जरूरत भी थी। कई बार परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रभु के कि तुम मैं सहायता पाने वालों, सहायता करने वालों के ऊपर मैं चढ़ाई करूंगा, क्यों, अगर मान लो परमेश्वर आपकी मम्मी को सिखाना चाह रहा है, आपकी मम्मी को सिखाना चाह रहा है, और हो सकता है आपकी सैलरी एक महीने के लिए रोक दी गई, आपकी सैलरी एक महीने के लिए रोक दी गई, हो सकता है वो सैलरी के रुकने का प्रभाव थोड़ा सा तुम पर पड़े, लेकिन तुम्हारी मम्मी को यह सिखाना चाह रहे, तुम्हारी मम्मी तुम्हारी ओर नहीं, तेरी ओर नहीं, वरन वो मेरी ओर डायरेक्टली, ताकि अगर मेरा बेटा अपनी माँ के अपना अगर मेरा बेटा अगर मतलब वो बेटा अपनी माँ के लिए चाहे उधार लाकर भी इंतजाम कर रहे, तो उसका मतलब वो अपनी माँ को अपनी तरफ पूरी तरीके से डिपेंड करा रहा है, वो प्रभु की तरफ से हटा रहा है वो, लेकिन प्रभु चाहता है नहीं बेटा तू उधार लेकर भी मत दे, और सैलरी मैंने तेरी इसलिए रोकी है ताकि तेरी मम्मी हर बात में ईमानदार विश्वास होकर रहे और मेरी ओर ताकना सीखे, तू मेरी और उस तेरी माँ के विषय में जो योजना बनाई है उसके बीच में तू बाधा मत बन, समझ रहे हो, अगर तू बाधा बनेगा तो मैं दोनों के ऊपर चढ़ाई कर सकता था, दोनों की जिंदगी में समस्या आ सकती थी, लेकिन प्रभु जान से नहीं मारेगा, लेकिन सिखाता है। अब उस चीज को कोई एक साल में, कोई एक दिन में, कोई एक मिनट में सीख लेता, लेकिन प्रभु ये नहीं चाहता कि ज्यादा लंबा समय लगे, 40 दिन का सफर 40 साल का ना होने पाए, समझ रहे हो आप लोग। अब बोने के विषय में हमें हमेशा स्मरण रखना है, आंसुओं को लेकर, प्रार्थना को लेकर, वचनों को लेकर, सुसमाचार प्रचार को लेकर, सेवकाई को लेकर, और आने जाने को लेकर, कोई गरीब है, कोई फकीर है, अगर उपवास में जा रहे हैं, उपवास गरीबों के, प्रभु जो वचन सुनाने जा रही हूँ, सुनाए जब सुनाऊं तो उत्तर आत्मा बोले और बातचीत करे, जब कल परसों के आसपास में कल गया था मैं, प्रभु ने अनुग्रह दिया, परांठे बनाए, 10 परांठे बनाए थे, और 2 परांठे 5 पैकेट में लपेट दिए, और जल्दी से उनको रैप करके फिर मैं देने के लिए गया, तो 3 लोग ऐसे मिले मेरे को जो
मतलब बहुत कंडीशन उनकी थोड़ी वो थी, और सो रहे थे ठंड के अंदर, बड़े खतरनाक मच्छर थे और बहुत प्रॉब्लम्स लग रही थी, मतलब उनको देखने में बहुत ज्यादा घटी। और मतलब फुटपाथ पर, कोई पुल के नीचे, कोई मेट्रो के पिलर के कोने पे सो रहा था। दिया उनको प्रभु के बारे में बताया, कार्ड्स दिया। उसके बाद दो रोल और बचे थे। अब दो भाई दिखाई दिए। अब मैं स्कूटी उनके पास लेकर गया, भैया खाओगे, परांठा है गरम गरम, ठंड का टाइम है। तो जब मैंने उनको निकाला, निकालते निकालते मैं थोड़ा उनको बताने शुरू कर दिया। जब उनको बताया परमेश्वर ने ऐसा ग्रेस दिया, उन लोगों ने मन फिराया, उन्होंने उद्धार की प्रार्थना, उनके लिए उद्धार की प्रार्थना हुई छोटी सी, और उन्होंने उनके लिए पश्चाताप की प्रार्थना हुई, उन्होंने विश्वास किया और उन्होंने इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। और परमेश्वर ने ऐसे शब्द दिए, खुदावंद ने उनसे बात की। और मैंने जब अपनी गवाही दी कि मेरी भी कंडीशन एक टाइम पे, मैं भी लोहा था, मैं पीतल बीनता था, मेरी भी कंडीशन ऐसी थी, मैं घटी में था, मुझे जगहों से निकाल दिए, मतलब मेरी परिस्थिति ऐसी थी कि मैं बिल्कुल खत्म सा हो चुका था। सब करके देख लिया, पूजा पाठ तंत्र मंत्र सब उधार ले लेकर सब कर लिया, दवाई गोलियां में सब निकल के, लेकिन जिंदगी नहीं बदली, बदली होती तो यहाँ नहीं होता। आज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब एक टाइम पे मैं भी समस्या में था, मुझे भी प्रभु का नाम मिला, मैंने भी विश्वास किया, तो वो प्रभु आज आपके पास भी आया है। उनको बताया, उनको समझाया, उनको सिखाया, उन्होंने विश्वास किया, उनको कार्ड्स दिए, मतलब अद्भुत शांति, अद्भुत आनंद से परमेश्वर ने भरा। वो बोना है, उसे बोना कहते हैं। चाहे वो उपवास में जा रहे हो, बिना उपवास के जा रहे हो, समझ रहे हो? आपके पास एक छोटा सा रुमाल भी है ना, 5 रुमाल भी आपने खरीद लिए, 10-10 रुपए वाले, 5 जुराब भी खरीद ली, बच्चों की जुराबें खरीद ली, वो भी कुछ भी चीज, आप एक टॉफी भी बोल सकते हो। चर्च के अंदर हमारी एक आंटी आती है, वो टॉफियों को पैकेट लेकर आती है, और उस टॉफी को हम सब खाते हैं, बड़े भी खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं, है ना? हम प्रभु के लोग सब खाते हैं। उनका बोना है, कोई किस भाव से बोलता है, कोई किस भाव से बोलता है। प्रभु ये नहीं देखता कि ये कुरकुरा के पर, हाँ प्रभु ये नहीं देखता कि ये छोटा बोरी है, बड़ा बोरी है, ऐसा बोरी है, वैसा बोरी है। प्रभु कोई तो चर्च के अंदर कोई प्याज लाया, कोई टमाटर, कोई सब्जियां लेकर आया, कोई फ्रूट्स लेकर आया, दो दो आलू, एक एक आलू पकड़ा दिया सबको आशीष के तौर पर। पता है कि इसमें सब्जी नहीं बनेगी, लेकिन फिर भी वो एक आशीष है, आशीष है उस परमेश्वर की ओर से। उस आशीष को धन्यवाद करके अपनी जिंदगी में अगर हम लेंगे ना, तो अगली बार हम भी बांटते हुए दिखाई देंगे, अगर उस विश्वास के साथ आप लोगे। एक टाइम था हमारे पास नहीं था, मेरी वाइफ मंदिरों में जाया करती थी मांगने के लिए, आपको बताई होगी भाई। एक टाइम था जब हम चर्च में गए, विश्वास किया, प्रभु में आए, तो चर्च से राशन लेकर आई थी मेरी वाइफ, और उसके लिए प्रेयर हुई थी, पता नहीं प्रभु की दासी ने प्रार्थना करी थी, पता नहीं मेरी वाइफ ने मांगा था, क्या था, जो भी था, शायद हाँ शायद प्रभु की दासी ने प्रार्थना करी थी। वो दिन और आज का दिन परमेश्वर ने आज तक, वरन आगे भी परमेश्वर ने हमें बोने के लिए बनाया है। हमारा लेने का टाइम चला गया कि हम किसी से मांगे, किसी से लें। चर्च से अनाथ और विधवाओं की शुद्धि ली जाती है। मेरी वाइफ के मम्मी पापा नहीं थे, तो उसको जरूरत थी कुछ मिल जाए, और क्या कहते हैं, उसने विश्वास तो करती थी वो, अब प्रभु के दास दास, प्रभु की आत्मा उनके मन में डालती थी कि इनकी, इस बच्चे की हेल्प कर। इंसानियत, इंसानियत का स्वभाव यही होता ना कि जो दुख में, जो घटी में, उसकी हेल्प करो। जो लोग प्रभु को नहीं जानते, मैंने सरदार लोगों को देखा है, वो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते, लेकिन वो भी अनाथ और विधवाओं की कितनी हेल्प करते हैं, कितनी अच्छी सेवा करते हैं, है ना? चाहे वो गुरुद्वारे में है, चाहे वो गुरुद्वारे के बाहर है। जब लॉकडाउन के टाइम पर मैंने देखा, वो कितना बो रहे थे, उनको नहीं पता है इस बोने का प्रतिफल प्रभु उनको देगा। क्योंकि लिखा है ना, जब मैं भूखा था, प्यासा था, नंगा था, बंदी के रहम में था, कौन मेरे पास आया? वो लोग भी गए उनके पास। क्या वो लोग खुदा को नहीं जानते, लेकिन उस बोने की वो आशीष पाएंगे, समझ रहे हो? बोना चाहे किसी भी कंडीशन में है। और आप निकलो अपने घर से, कोशिश करो वो, अगर आप नहीं कर पा रहे तो जो लोग, अगर आप घर से नहीं जा पा रहे हो, अगर आपके घर में कोई रोक टोक थी, तो आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करो, प्रभु जो तेरे लोग गए हैं उनके लिए मैं विनती करती हूँ कि जिस किसी को भी वो सुसमाचार सुनाए, प्रभु उनकी जिंदगी, परिस्थिति, हालात बदले, में इस प्रार्थना को बोती हूँ, समझ रहे हो? आप घर बैठे प्रार्थनाओं को बोल सकते हो, हर कंडीशन में आप बोल सकते हो, समझ रहे हो? अगर प्रभु की इच्छा है तो क्या पता शायद हम लोग दिसंबर में जाएं और परमेश्वर इंतजाम करे और रास्तों को खोले, और आप लोग हमारे लिए प्रेयर्स करें। ये भी बोना होगा, आप लोग हमारे लिए प्रेयर करोगे, आप लोग नहीं कर पा रहे हो,
तो जो लोग जो चर्च जो आपके चर्चेज हैं, अगर वो चर्च वाले जो लोग जाते हैं अगर कहीं बोले तो आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको शर्म आती है या आपको अजीब लगता है या आपको समझ नहीं है कि किस तरीके से समाचार सुनाना है, आप नए नए हो पुरान, मतलब कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन आप अपने चर्च के अंदर अगर चर्च में ऐसी प्लानिंग बनती है कि वो किसी गरीबों नाते विधवाओं के लिए बोने के लिए जाए, कुछ खरीदे खाने पीने की चीजें या जुराब सॉक्स वगैरह हो गए, टोपे वगैरह हो गए, ऐसी चीज अगर कुछ बांटने के लिए जाते तो आप उनमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो अपने चर्चेस के अंदर, वो भी एक बोना है। भले आप खुद नहीं बांटने जा रहे लेकिन आप बांटने के लिए लोगों को तैयार तो कर रहे हो, बांटने के लिए अपना धन तो बोल रहे हो जिस भी चर्च में आप जाते हो, और ये बहुत अच्छा काम है। इसके द्वारा चर्च बहुत पढ़ता है, बोने के द्वारा परमेश्वर बहुत उन्नति देता है अपने चर्चेस को बढ़ाने के लिए। बोने की पूरी कोशिश करो और प्रार्थना करो कि हमारे चर्चेस में ऐसी वो प्लानिंग्स बने ताकि, और अनाथ और विधवाओं के लिए ऐसी योजनाएं बने परमेश्वर, ताकि सब लोग अपने कंट्रीब्यूशन करें, ताकि सब बच्चों की, सब मनुष्यों की आशीष खुले, सब सेवकों की आशीष खुले, विश्वासियों की आशीष खुले, और उनके चाहे 10 10 रुपए, चाहे सबने जो भी बोया है उस कंट्रीब्यूशन के द्वारा, जो आपके चर्च का पास्टर है, चाहे वो किसी को चाहे थोड़ा सा ही दे पा रहा है लेकिन आपका बोना खुदा देख रहा है, समझ रहे हो। मैंने घटी में से भी बोया है, जब नहीं था ना तब भी मैंने बोया है, हमने बोया है प्रभु के अनुग्रह से, आंसू बोए हैं हमने, समझ रहे हो। अब बस यही चीज आप लोगों को कहनी है कि कभी कमजोर मत पड़ना, यह टाइम है जितना हम अच्छा बोल सके और अपने कमिटमेंट से छूट सके और एक नई शुरुआत कर सके और नई तरीके से हम आगे बढ़े, नया गुनावा आटा बनकर आगे चले और खमीर हमारी जिंदगी का खत्म हो जाए बोने के द्वारा। जब आप बोओगे आपके पति के, आपकी पत्नी के, आपके बच्चे के, आपकी फैमिली के, आपके घर के, आपकी आत्मिक जिंदगी के रास्ते खुलेंगे, और घर में नौकरी बिजनेस नहीं है तो प्रभु के वचन में लिखा है भेंट रास्तों को खोलती है और बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है, जो छितरा देते उनकी बढ़ती होती है। अगर हम लोग अपनी, मैंने एक एक वीडियो देखा था टीबी जोशवा जी का, टीबी जोशवा जी की, यहाँ पर है ना एक स्त्री आई थी, इसके ऊपर पता नहीं कई लाख का वो था, पता नहीं कर्जा था, बहुत खतरनाक सिचुएशन थी उसकी। तो उसने जब टीबी जोशवा जी को बताया तो टीबी जोशवा जी ने कहा जो भी अपनी इच्छा से, स्वयं की इच्छा से, खुद की इच्छा से, खुशी से जो कुछ भी लाना चाहता है वो इधर डाल दे। तो बहुत सारे लोगों ने लाकर डाल दिया और उस स्त्री का कर्जा भी मुक्त हो गया और उससे उसको ज्यादा मिल भी गया, ज्यादा आशीष मिल भी गई। मतलब एक दूसरे का बोझ उठाना, एक दूसरे की हेल्प करना है ना, ये बोने का एक तरीका है, बोने का एक कारण है, और बोने, इसी बोने के द्वारा परमेश्वर आशीष खोलता है। उस चर्च में ही बोना नहीं है, वो बोना आप किसी गरीब की मदद भी कर सकते हो, लेकिन गरीबों में दशमांश नहीं देना है, दशमांश सिर्फ चर्च में जाएगा है ना, ऑफरिंग और दशमांश चर्च में जाएगा। अपनी स्वयं की इच्छा से कुछ और आप गरीबों में मदद कर सकते हो, बोल सकते हो, हेल्प कर सकते हो, और उनको कुछ खाने पीने, उठने बैठने, किसी भी चीज को आप उनको दे सकते हो, है ना। बस यही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। अब हम छोटी सी प्रार्थना में चलेंगे, हम विश्वास करते हैं कि खुदावंद आज हमारे रास्तों को खोलेगा और हम बड़ी उन्नति को देखेंगे, जो हमारे लाइफ के किसी भी हिस्से में अगर हमने कुछ बोया नहीं था तो हम बोना शुरू करेंगे, बोने वाला मन हमें परमेश्वर दे, ऐसे अब्राहम ने अपना बेटा बोया था और परमेश्वर ने उसको बालू के किनकों के समान संतान दी, समझ रहे हो। उस विधवा ने अपनी मुट्ठी भर मैदा और थोड़ा सा तेल बोया था, परमेश्वर ने उसको कई साल तक खाने का और खिलाने का अनुग्रह दिया, परमेश्वर ने अपने पुत्र को बो दिया और हमने जीवन पा लिया, समझ रहे हो। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो अगर अपने आप को भी आग बो, आप परमेश्वर के राज्य में बोगे, प्रभु देख मैं अपने आप को तेरे राज्य में बोती हूँ, बोता हूँ मैं जैसा भी, मुझे ग्रहण कर, मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मेरी जिंदगी को इस्तेमाल कर, किसी के तो काम आ जाए परमेश्वर, किसी के तो छुटकारे हो, किसी के तो आंसू पोछे, मेरी जिंदगी काम आए परमेश्वर, किसी की जिंदगी में तो चमत्कार हो, किसी की जिंदगी की तो सारी परिस्थितियां दूर हो, खत्म हो, समझ रहे हो आप लोग। हालेलुया, प्रार्थना में चलते हम सभी लोग। धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु, अपने आपको, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे को, तेरे सभी बेटा और बेटियों को, हम सबको यीशु तेरे लहू में डालते हैं, तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। बाप हम आपसे विनती करते हैं इसी समय खुदावन, इनकी जिंदगी के हर एक ऐसे बंधन जो भी इनको बोने से रोकते थे, क्योंकि तो खुदावन तूने कहा जो तू बोएगा वो तू काटेगा, और शैतान नहीं चाहता कि कोई कुछ बोए, प्रार्थनाएं बोए या उपवास बोए या दुआएं बोए खुदावन, या संगति में जाए या किसी को सुसमाचार बोए, वचन का बीज बोए,
प्रार्थना का बीज बोए। शैतान नहीं चाहता, क्योंकि प्रभु जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना बोई थी, खुदावन तूने उसको धन की आशीष दी, बच्चों की आशीष दी, खुदावन तूने उसको उसकी संतानों की आशीष दी, सिर्फ एक प्रार्थना बोलने के द्वारा। खुदावन अगर आज हम में से कोई भी अगर ऐसा सोचता है कि प्रभु मेरे पास कुछ नहीं, तो खुदावन आज आप वो वचन के द्वारा हमसे कहता है कि देख अय्यूब ने सिर्फ प्रार्थना बोई थी और उसने दो दो हजार, तीन तीन हजार, आठ आठ, दस दस हजार, मतलब हजार हजार में बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स पाई। जितने उसके बेटे मरे थे उससे बढ़कर उसको बेटे मिले। उसकी बेटियां इतनी सुंदर थी कि उनके बारे में इतनी सामर्थी चर्चा की, मतलब इतनी सामर्थी बातें बोली गई। खुदावन हम तुझसे विनती करते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इन सभी बच्चों के लिए। खुदावन आज हम अपनी प्रार्थना को बोलते हैं, खुदावन इनको आशीषित कर, इनके रास्ते आज खुल जाएं, इनकी मुट्ठियां छितराएं। अगर इनकी जिंदगी में इनकी प्रार्थना की वेदियां टूटी हुई थी, प्रभु आज प्रार्थना की वेदियां जुड़ जाए, ताकि ये किसी के लिए प्रार्थना हो सके। अगर प्रभु इनकी आत्मिक उन्नति में कोई बंधन था, आज वो बंधन टूट जाए, ताकि इनकी आत्मिक उन्नति के द्वारा खुदावन ये दूसरों को आत्मा में उठा सके। खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु, अगर ये शारीरिक रूप में किसी बंधन में थे, खुदावन आज तेरे वचन के द्वारा उन शैतानी बंधनों को तोड़ देते, तेरे मसीह के द्वारा शैतानी बंधनों को फाड़ देते हैं, ताकि शरीर में होकर प्रभु एक दूसरे शरीर की हेल्प कर सके, मदद कर सके, मदद बोल सके, आशीष बोल सके, काम काम धंधे में अपने अपनी तरफ से बेस्ट काम बोल सके, चाहे वो पानी पिलाने का, चाहे खाना खिलाने का है, चाहे रोटी पकाने का है, चाहे प्रभु किसी प्रकार से हेल्प कराने का है, शारीरिक रूप में वो बोल सके। खुदावन दया कर, कृपा कर, धन्यवाद करते हैं खुदावन प्रभु यीशु के नाम से। अगर कोई भी अगर यहाँ पर धन में कमजोर था, तो उनके धन के सारे श्रापों को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम तोड़ देते हैं, और प्रभु आज से ये बढ़ेंगे खुदावन यीशु मसीह के नाम में। आज से फाइनेंस में, स्पिरिचुअली, सोशली बहुत ऐसे बढ़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ये बढ़ेंगे, ये बढ़ेंगे, ये बढ़ेंगे खुदावन, ये बढ़ेंगे। ये अपनी मुट्ठियों को तेरे राज्य में खोलेंगे, ये अपनी मुट्ठियों को तेरे भवन में खोलेंगे, ये अपनी मुट्ठियों को दशमांश में खोलेंगे खुदावन तेरे राज्य में, ये अपनी मुट्ठियों को नाथों और विधवाओं के लिए खोलने पाएंगे। तू इनको इतना देगा, क्योंकि तूने कहा कि तू बोने के लिए बीज देता है, खाने के लिए भोजन और फल देता है। तू क्रिएट कर बता का सा कल का टेका देगा, रहते का क्रिएटर गॉड है। तेरा धन्यवाद करते हैं बापिता, इसी समय हम घोषणा करते हैं खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, प्रभु परमेश्वर इनकी प्रार्थना के लिए, इनकी जुबान, इनकी जुबान पर जो कोई बंधन था यीशु मसीह के नाम से आज वो टूट जाए, इसी समय टूट जाए, और इनकी जुबान के द्वारा जो प्रार्थनाएं हो खुदावन वो 30-60 हजारों हजार गुना फल लाए, वो ऐसी बोई जाए खुदावन, वो गवाही भविष्यवाणी का आत्मा बने, प्रार्थनाएं लोगों के छुटकारे का कारण बने खुदावन यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं। अगर कोई भी किसी भी प्रकार के कमिटमेंट में कोई फंसा हुआ था, या कोई कमिटमेंट नहीं पूरी कर पा रहा था, खुदावन इनकी उन सभी गलती पाप गुना अपराधों को क्षमा कर, और इनको अनुग्रह दे ताकि उन कमिटमेंट से छूटे, इनके लिए इंतजाम कर, परिस्थितियों को क्रिएट कर, इनको स्मरण करा, याद दिला। अगर प्रभु नहीं कर पा रहे तो तू दया कर, मैं तुझसे विनती करता हूँ ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो ताकि कमिटमेंट से छूटे खुदावन, दया कर, कृपा कर, क्योंकि तूने अपने लहू के द्वारा मैं छुड़ा लिया है। ये सब अपनी कमिटमेंट से इसी समय आजादी को पाए और छूट जाए खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ये ब्लेस हो खुदावन, दया कर, कृपा कर, तेरे हाथों में समर्पित करते हैं सभी के, हम सभी के पाप क्षमा हो खुदावन, धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं। जो लोग प्रभु परमेश्वर तेरे राज्य में बीज बोने के लिए इच्छुक हैं, जो लोग प्रभु परमेश्वर अनाथ और विधवाओं के लिए बीज बोने के लिए इच्छुक हैं प्रभु, जो लोग मेरे खुदावन यीशु प्रभु किसी के लिए हेल्प करने के इच्छुक है खुदावन, उनकी इन सोचों पर भी आशीष दे। जब तेरे लोग अपने घर से निकले खुदावन तेरे भवन के लिए, या सड़कों और बाड़ों के लिए, या किसी गरीब अनाथ और विधवा के लिए खुदावन, इनकी मुट्ठियां परमेश्वर ब्लेस है। जो भी ये करते अपनी घटती में से, तो उनको इनकी कुप्पियों का तेल कभी घटने ना पाए। इनकी इनकी जुबान प्रभु भविष्यवाणियों के समान, भविष्यवाणी रूपी होकर प्रभु लोगों की जिंदगियों को बदल दे खुदावन। जो वचन अभी बीज बोया वो 30-60 हजार हजार गुना फल लाए, और प्रभु जब ये कुछ भी अपने हाथों से बनाकर खिलाकर बोते हैं किसी के लिए भी खुदावन यीशु, तो उनको इस बात की आशीष देना, क्योंकि तूने कहा जो तूने छोटे से छोटे के साथ किया वो तुमने मेरे साथ किया। खुदावन इस बात की इनको इतनी आशीष देना कि ये रख रख बोले, इतनी आशीष मिले कि ये रख रख बोले, जिस भी एरिया में इनको आज आशीष की, छुटकारे की, चंगाई की, बरकतों की, क्षमा की, शांति की, भरपूरी की जरूरत है, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से खुदावन तेरे वचन के अनुसार यशाया 22:22 के द्वारा तेरे तीसरे स्वर्ग से इसी समय खोल दी जाए यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु जो तू खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता, जब तू अपना हाथ बढ़ाए तो कौन रोक सकता है खुदावन। दया कर, कृपा कर खुदावन, इनको आशीष मिले, इनके रास्ते खुले खुदावन,
प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, आज से हम अपनी जुबानों से अच्छी बातें बोने पाए। दया कर आज वो सारे ऐसे श्राप, ऐसे सारे बंधन जो किसी भी प्रकार से जिंदगी में चले हुए आ रहे थे पूर्वजों से, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम तोड़ देते हैं, हम कैंसिल करते हैं, खंडित करते हैं, नष्ट करते हैं। तेरा वचन की आग और हथौड़े के द्वारा ऐसी दुष्ट आत्माओं को सताया जाए और दुष्ट बंधन टूट जाए, चूर चूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद करते खुदावंद यीशु मसीह इन सभी के पाप क्षमा करने के लिए, सभी की जिंदगी में नया काम कर खुदावंद। और प्रभु जब भी ये कुछ बोते हैं कि बिना तेरी अगुवाई के ना बोए, बिना तेरी अगुवाई के ना बोए खुदावन यीशु नासरी, तुझसे विनती करते हैं परमेश्वर पिता, इन पर दया कर, ऐसा अनुग्रह कर इनकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह, ये बिना किसी अगुवाई के कभी भी कुछ भी इधर उधर ना बोने पाए। जब ये कुछ बोते हैं तो तेरी अगुवाई में बोए, उतावली में आकर नहीं, जोश में आकर नहीं, निस्वार्थ भाव से और प्रभु तेरी अगुवाई में होकर, ताकि ये अगर किसी के लिए बो रहे हैं तो प्रभु कोई भी व्यक्ति किसी के भी ठोकर का कारण ना बने, या ये किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने। प्रभु परमेश्वर, परमेश्वर हम तुझसे विनती करते हैं, अगर हम भी कभी बोते हैं तो हमारी भी अगुवाई करना, हम निस्वार्थ भाव से, हर्ष से, चाहे किसी भी कंडीशन में थे प्रभु, हम हर्ष से ईमानदारी के साथ तेरी अगुवाई में होकर बोए, ताकि प्रभु हम किसी मनुष्य और तेरे उनके बीच, तेरे और किसी मनुष्य के बीच में अगर तू किसी को टच कर रहा है, परख रहा है, या तू प्रभु किसी को मजबूत कर रहा है, तो उन उस व्यक्ति के और तेरे बीच में ना आने पाए। प्रभु हमसे कोई गलती ना होने पाए, हम तेरी योजना को खराब ना करें, तेरी योजना के बीच में ना आए। अगर तू हमें कुछ सिखाना चाहता है तो हमें सिखा, अगर तू हमारे द्वारा किसी और को सिखाना चाहता है तो सिखा खुदावन। अगर हमारी जिंदगी में घटी लाकर तू किसी और को सिखाना चाहता है कि वो तेरी ओर ताके, तो प्रभु तेरे वचन के अनुसार होने दे। लेकिन मैं जानता हूं तू घटी नहीं होने देगा परमेश्वर, तुम्हें हाथ नहीं फैलाने देगा, तुम्हें किसी के आगे मांगने नहीं देगा खुदावन यीशु मसीह, क्योंकि तू परमेश्वर तो उत्तम भंडारों को खोलकर अपने बच्चों की आशीषों को खोलकर प्रभु उनकी जिंदगियों में भरपूरी को उड़ेलता है। तेरा धन्यवाद करते प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं इनको भरपूरी से आशीषित करने के लिए, छित्रने वाली आशीषों बरकतों को उनके ऊपर उड़ेलने के लिए धन्यवाद खुदावन। तेरे बच्चे इसी समय तेरे दानों को पाए, तेरे वरदानों को पाए, तेरे वरदानों को पाए, तेरे दानों को पाए खुदावन। इनके सर को छू खुदावन, इनके सर को छू, उनकी जुबान को छू, इनको अन्य भाषा के नए शब्दों से ब्लेस कर खुदावन यीशु मसीह। प्रार्थना करें सभी लोग, प्रार्थना करें, अपने मुंह को खोले खुदावन के आगे, बोले बोले परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर, मेरी जिंदगी में काम कर प्रभु यीशु, मुझसे बात कर, मेरी जिंदगी में काम कर, मेरी उन्नति कर। मांगो अपने लिए पर्सनली, प्रभु मेरी उन्नति कर। इसी समय बोलो प्रभु मेरी उन्नति कर, मैं बढ़ना चाहती हूँ, मैं बढ़ना चाहता हूँ, मैं बड़े बीज बोना चाहता हूँ खुदावन। मेरी पत्नी बड़े बीज बोना चाहती है प्रभु, मेरी बेटी को बड़ा बीज बोने का अनुग्रह दे प्रभु मुझे, मैं तेरा बेटा हूँ प्रभु, मुझे बड़ा बीज बोने का अनुग्रह दे। हमारे फाइनेंशियली कंडीशन को स्ट्रॉन्ग कर, हमारी आत्मिक कंडीशन को स्ट्रॉन्ग कर, हमारी प्रार्थना की वेदियों को स्ट्रॉन्ग कर खुदावन, इनकी प्रार्थना की वेदियों को मजबूत कर खुदावन, क्योंकि एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता प्रभु। इच्छाएं बहुत सी है प्रभु, बहुत से मनोरथ है हमारे खुदावन, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इन सीमाओं को आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से तोड़ दिया जाए, जिस वजह से आज हम अपनी जिंदगी में आशीषित नहीं हो पा रहे थे। आज हमारे उन सभी पाप क्षमा कर दिए जाए, आज हमारे लोगों के उन सभी पापों को क्षमा कर दिया जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से खुदावन। तेरे खून के द्वारा धो दे प्रभु, प्रभु जिस किसी की पाप के कारण हमारी ब्लेसिंग रुकी हुई थी, या हमारे मेरे किसी पाप के कारण किसी और की ब्लेसिंग रुकी हुई थी, आज वो सभी पाप क्षमा हो, तेरे बच्चे बैठे इसी समय उठे बढ़े, ब्लेस हो, फलवंत हो, आशीषित हो, इनके रास्ते खुले, छुटकारे आए, सामर्थ को पाए, वरदानों को पाए खुदावन, उन्नति को अपनी जिंदगियों में देखे। मांगो खुदावन से, मांगो मांगो मांगो, कनेक्ट हो जाओ, अपनी आंखों को बंद करो, इधर उधर ताकना बंद करो, ये आपका और प्रभु का समय है। थैंक यू जीसस, हम आपसे विनती करते खुदावन यीशु नासरी, दया कर, दया कर, कृपा दया कर खुदावन यीशु मसीह। घर की हर एक घटी से प्रभु, फाइनेंशियली हर एक घटी से इनको आजाद करने के लिए धन्यवाद, अच्छे घर से ब्लेस करने के लिए धन्यवाद, अच्छे अमाउंट से ब्लेस करने के लिए धन्यवाद, अच्छी जरूरतों को, सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए धन्यवाद, अच्छी मटेरियल ब्लेसिंग से इनको ब्लेस करने के लिए धन्यवाद खुदावन यीशु। इस दिसंबर महीने के खत्म होने से पहले फिर से बड़ी बड़ी ऐसी टेस्टिमनीज को, जो फिजिकली होंगी, जो स्पिरिचुअली होंगी, जो फाइनेंशियली होंगी, और जो खुदावन इनके घर की मटेरियल ब्लेसिंग से रिलेटेड होंगी, इस बात की मैं घोषणा करता हूं खुदावन यीशु मसीह के नाम से। ये ब्लेस होंगे, अपनी रुकी हुई आशीषों को ये पाएंगे, रुकी हुई उन्नति में बढ़ते जाएंगे खुदावन यीशु,
रुकी हुई जो इनकी स्पीड थी, या आत्मिक शारीरिक आर्थिक संसारिक रूप में बहुत सामर्थ्य रूप से स्पीड पकड़ेंगे खुदावन, इनको पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा, ये उठेंगे बढ़ेंगे चढ़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, ये दृढ़ होंगे और शैतान के राज्य को गिराएंगे खुदावन, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, ये तेरे वरदानों को पाएंगे खुदावन, ये उन्नतियों को पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हम धन्यवाद करते हैं अब्बा पिता, थैंक यू जीसस, बड़े बीज बोने के लिए, इनके हाथों को बड़ा करने के लिए धन्यवाद, इनकी इनकी पोटलियों को ब्लेस करने के लिए, इनकी टोकरियों को आशीषित करने के लिए, इनके अकाउंट्स को ब्लेस करने के लिए खुदावन, हम तेरी आशीष को बोलते मांगते रिलीज करते हैं। तेरे बच्चे बड़े, तूने कहा कलीसिया में भविष्यवाणी कर, तो अपने दास के वचन को पूरा करता है अब्बा। मैं तुझसे विनती करता हूं, जो लोग दो को चरा रहे हैं, चार को चरा रहे हैं, सात को चरा रहे हैं, 17 को चरा रहे हैं, किसी को भी चरा रहे हैं खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आज से उनकी उन्नतियां होने जा रही हैं, वो बढ़ने जा रहे हैं, संख्या बढ़ने जा रही है, सेवकाई में फाइनेंशियली आपकी आपकी फाइनेंशियली ग्रोथ बढ़ने जा रही है, आपकी आत्मिक ग्रोथ बढ़ने जा रही है, वरदानों में आप और उन्नति पाने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर वो डिस्टर्बेंस की गंदी आत्मा, आलस की गंदी आत्मा, डिटाई की, कड़वाहट की, जलन की, ईर्ष्या की, नामाफी की गंदी आत्मा सताए जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आज चले मैं घुड़कता हूं, मैं डांटता हूं, तेरी आत्मा की आग गिरे, हर वो दुष्ट आत्मा आज भस्म हो, आज वो चले, आज शत्रु के सारे तीर नष्ट हो, एक भी हथियार एक भी तीर, एक से एक भी शैतान की चाल में से किसी पर भी सफल ना हो। हम धन्यवाद करते हैं, थैंक यू जीसस, थैंक यू। नई व्हीकल की ब्लेसिंग्स को खोलने के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु, नए व्हीकल की, न्यू ब्रांड न्यू व्हीकल की ब्लेसिंग्स को खोलने के लिए धन्यवाद, थैंक यू जीसस। रुके हुए कामों को बनाने के लिए, रुके हुए प्रॉपर्टी के, रुके हुए डॉक्यूमेंटेशन के, रुके हुए फाइनेंस के, रुके हुई नौकरी बिजनेस का, रुका हुआ धन, रुके हुए अमाउंट्स, फंसे हुए पैसे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से निकल कर आ रहे हैं, निकल कर आ रहे हैं। तुम्हारी गवाहियां तुम्हारे पास आ रही हैं, तुम्हारी गवाहियां तुम्हारे पास आ रही हैं, जो गवाहियां तुम बांट जो रहे थे कई महीनों से, कई दिनों से, हफ्ते में, उपवास में, वो गवाहियां जो तूने पुस्तक के अंदर लिखी है, वो गवाहियां जो तूने अपनी डायरी में पेपर पे लिखी है, वो गवाहियां जो तूने मांगी है, वो गवाहियां जिस विषय में तूने आंसू पाए, वो गवाहियां जिसके विषय में तूने अपने तकियों को भिगाया अपने आंसू के द्वारा, वो गवाहियां तेरे पास आ रही हैं इसी समय यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, बढ़ेंगे उठेंगे खुदावन यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, तेरे छूने के लिए, तेरी सामर्थ के लिए भरो, तुम आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ प्रभु, तेरे लोग मजबूत हो, तेरे धन्यवाद, सहनशीलता की आत्मा, नम्रता की और तेरे अधीनता में चलने का ग्रेस दे खुदावन। नौ के नौ वरदानों में चलना चाहते, बोलो प्रभु मैं नौ के नौ वरदानों में चलना चाहता हूं, प्रभु मैं तेरे वरदानों में चलना चाहता हूं, प्रभु मैं तेरे फलों में चलना चाहता हूँ, प्रभु मैं तेरी अगुवाई में चलना चाहता हूँ, प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तुझे सुनना चाहता हूँ, तुझे समझना चाहता हूँ, तेरी बात को मानना चाहता हूँ, तेरी आत्मा की अगुवाई में चलना चाहता हूँ, तेरे ग्रहणियों के जीवन जीना चाहता हूँ, तुझे प्रसन्न करना चाहता हूँ, तेरी सीधी इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ, प्रभु मैं वो करना चाहता हूँ जो तू चाहता है, मैं अपने आप से नहीं चलना चाहता, जैसे मूसा ने कहा था प्रभु कि प्रभु यदि तू हमारे आगे ना चले तो हमें आगे ना ले चल, प्रभु तूने कहा मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। खुदावन जिन एरियो के अंदर आज हम गिर गए थे, जिन एरियो में हम कमजोर पड़ गए थे, जिस भी एरिया में, फाइनेंशियली स्पिरिचुअली सोशली, धन वाले एरिया में, या हमारे शारीरिक एरिया में, या हम काम धंधे वाले एरिया में, या नौकरी बिजनेस में, या हमारे प्रार्थना के जीवन के एरिया में, कहीं भी अगर हम कमजोर पड़ गए थे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आज वो हमारी कमजोरियां खत्म हो रही है यीशु मसीह के नाम से, आज वो कमजोरियां खत्म हो रही है। मैं तोड़ता हूं ऐसे शैतानी सारे बंधनों को यीशु मसीह के नाम से, उठो और स्पीड पकड़ो, उठो और तोड़ो, उठो और मजबूत हो जाओ, तुम्हारे घुटनों को ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु इनके सर पर तेरा तेल, प्रभु तेल, तेरे वचन में लिखा है कि तेरे सर पर कभी तेल की घटी ना होगी, तूने कहा तेरी कमर बंधी रहे खुदावन, इनकी कमरों को बांधने के लिए धन्यवाद, जिनकी कमर खुल गई थी, जिनकी कमर ढीली पड़ गई थी खुदावन यीशु मसीह, उनको मजबूत कर रहा है, थैंक यू जीसस, दृढ़ करने के लिए, तुझमें मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभा सके, ताकि अपनी जिम्मेदारी से पीछे ना हटे खुदावन, इनको ब्लेस कर, धन्यवाद करते प्रभु, इनके जीवन के हर एक हिस्से में तेरा अनॉइंटिंग, तेरा तेल आए, ताकि उस तेल के द्वारा परमेश्वर प्रभु ये बढ़ते जाए प्रभु, ताकि आत्मिक रूप में, शारीरिक रूप में, अपनी जिम्मेदारी में बढ़ते जाए, आत्मिक रीति से खुदावन इनको बढ़ा, इनकी आत्मा का विकास कर। Thank you, Holy Spirit.
जो बच्चे डिटाइयां दिखाते थे यीशु मसीह के नाम से, डिटाइयों वाली गंदी आत्मा, व्यभिचार की गंदी आत्मा और लड़ाई दंगे वाली गंदी आत्मा, विरोध वाली और डिटाई वाली, कड़वाहट वाली, कुड़कुड़ाहट वाली, बुड़बुड़ाने वाली गंदी आत्माओं को मैं घुड़कता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। गेट आउट, हर वो दुष्ट आत्मा जो परमेश्वर ने नहीं भेजी, जो परमेश्वर की ओर से नहीं, जो शैतान की ओर से है, जो शैतानी है, जो हमारी गलती के कारण आई, या जिसको जिस रीजन से हमारी वजह से जो द्वार खुला था, आज वो दुष्ट आत्माओं को मैं घुड़कता हूँ, डांटता हूँ, बांध कर नष्ट करता हूँ। निकल जाए, बोलो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए मेरी जिंदगी के हर एक हिस्से से, मेरे बच्चे से, मेरे लाइफ पार्टनर से, मेरी फैमिली से, मेरे माता पिता, हमारी सेवकाई से, हमारे तन मन धन से, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, और कभी वापस मत आना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, ये सब आजाद हो चुके हैं, हम सब आजाद हो चुके हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। जिन लोगों को पवित्र आत्मा का दान नहीं मिला प्रभु, तैयार कर उन लोगों के मनों को, धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, तैयार कर लोगों को, उनके हृदय को, उनके मनों को तैयार कर प्रभु। जिन लोगों ने बपतिस्मे नहीं लिए वो तैयार होने जा रहे हैं नई तरीके से बपतिस्मे के लिए, फैमिली परिवार तैयार होने जा रहे हैं फिर से बपतिस में, नए तरीके से, नए लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे, पूरे घराने के तैयार करने के लिए खुदावन तो योजना जो बना रहा है उससे दोंगी प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पति लोगों के अंदर से कठोरता खत्म होने जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, कड़वाहटे मिठास बदलने जा रही है, पत्थर का हृदय निकल रहा है, मांस का हृदय उनके हृदय में आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। क्षमा शांति मेल मिलाप से भर जाए प्रभु, हर एक गलत संगतियों को प्रभु पति और पत्नी और बच्चों की जिंदगी से दूर करने की मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। तेरे हाथों में सौंपता हूँ सभी के पाप, क्षमा हो, दया कर, कृपा कर खुदावंद यीशु मसीह। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अब तक आपने हमें संभाला के भी संभालेंगे, नए परफेक्ट मैच 2024 के अंदर हम देखेंगे हस्बैंड वाइफ के साथ, नए परफेक्ट मैच 2024 के अंदर हम हस्बैंड वाइफ के साथ हम देखेंगे, और वंश को बढ़ाने वाला वारिस, बच्चे की आशीष को हम देखेंगे। जिसके पास नहीं है वो अपने पेट पर हाथ रखे, जिन बहनों के पास जिनकी शादियां हो चुकी हैं, जिनके पास वंश नहीं है, वारिस नहीं है, संतान नहीं है, वो पेट पर हाथ रखे खुदावन, इसी समय खुदा इनके पेट को छू। जो भी समय सुन रहे हैं यूट्यूब पे, जहां कहीं भी जो उसको सुन रहे हैं, वो अपने पेट पर हाथ रखे। जो बहनों के पास बच्चे की आशीष नहीं है, सिर्फ वो बहने, जो बहने शादीशुदा हैं उनके पास बच्चे की आशीष नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इसी समय उनकी कोख खुल जाए, सरता खल्ला बका सरता करा दबा दबा रात तक का खुल जाए, खुल जाए। तो टच कर रहा है खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, तेरा आत्मा छू रहा है खुदावन, हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। गुड न्यूज, गुड न्यूज, बोलो गुड न्यूज मुझे मिल रही है। और खुदावन जिनकी शादियां नहीं हुई वो भी बोलो प्रभु, तेरे राइट टाइम पर मुझे परफेक्ट मैच की गुड न्यूज देने जा रहा है प्रभु, तेरे सही समय पर मुझे परफेक्ट मैच की गुड न्यूज देने जा रहा है। बोलो प्रभु तू मुझे 2024 में एक अच्छे लाइफ पार्टनर की मुझे गुड न्यूज देने जा रहा है, मेरी शादी उस व्यक्ति से होगी जिसे तू चाहता है, मुझे गुड न्यूज देने जा रहा है। थैंक यू जीसस, बोलो प्रभु मेरे बिजनेस की तू मुझे गुड न्यूज देने जा रहा है, मेरे लिए धन का इंतजाम करने की गुड न्यूज देने जा रहा है, मेरी आत्मिक जिंदगी की गुड न्यूज देने जा रहा है। प्रभु आपको वो देगा जो आपके लिए अच्छा है, कंफ्यूज नहीं होना। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। सेवकाइयां उठेंगी, उठेंगी, बढ़ेंगी, दृढ़ होंगी, हिया बांध और दृढ़ हो। थैंक यू जीसस, नई तरीके से बड़ा खुदावन तेरे बच्चों को, जो सेवकाइयां करते हैं, सेवा करते हैं, जो इच्छा रखते हैं, जो भूखल प्यास से मांग रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, नई अगुवाई आज से उनको मिले, नई अगुवाई मिले, तेरा वचन उनकी अगुवाई करे, प्रकाश मिले खुदावन, तेरा धन्यवाद करते हैं। अब तक आपने संभाल के रखा प्रभु जी, आगे भी आप संभाल कर रखेंगे। इस पल तक हमसे कोई भी गलती पाप को ना पड़ा तो आपने हमें क्षमा कर दिया यीशु, आपके लोग से मुझे हमें धोखे आपको साफ शोध करने के लिए आपको धन्यवाद देते। अब तक संभाला के भी संभालेंगे यीशु मसीह के नाम से, हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन, आमेन और आमेन, सभी का आमेन। आमीन, 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 प्रभु बहुत आशीष दे। आमीन, 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 माइक को बंद करो, माइक को बंद करो,
अपराजिता बहन मुझे एक चीज बताओ कि आज वो है बाइबल स्टडी आप लोगों की? थी लेकिन आज नहीं होगी। जयमसी ब्रदर अच्छा तो सैटरडे कब छुट्टी मुझे होगी? सैटरडे साइड सैटरडे? अच्छा सैटरडे को होगी। ओके ओके ठीक है ठीक है, धन्यवाद करते हैं प्रभु। तो अभी हम मीटिंग को ऑफ करते हैं, ठीक है? अभी गवाहियां नहीं, गवाहियां क्योंकि कुछ लोगों की रह जाती है, कुछ लोगों की आ जाती है, और कई बार ज्यादा टाइम हो जाता है तो बहुत है ना। तो अब हम कोशिश करते हैं, अभी मीटिंग को ऑफ करते हैं। अब गवाहियां जो होगी वो ग्रुप में डालना और कोशिश करना नाइट प्रेयर्स में जुटने की, अगर प्रभु की इच्छा है। क्या पता आज नाइट प्रेयर हो सके, ऐसा भी होगा आपको ग्रुप में कोशिश करेंगे। और जो लोग ऑनलाइन मीटिंग्स में जुड़ना चाहते हैं, अगर प्रभु आप लोगों को अगवाई करता है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में से आप लोग फोन नंबर लेकर आप हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्डिंग मैसेज सेंड कर सकते हैं। और प्रभु सभी को बहुत आशीष, जो आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं प्रार्थनाओं में, उपवास के द्वारा हमारे लिए प्रेयर्स करते हैं, आहें भर भर कर हमारे लिए दुआएं करते हैं, अपनी पर्सनल प्रेयर्स में आप लोग हमें रखते हैं। खुदावन आपको इसका अच्छा प्रतिफल दे, और आप लोगों ने जो हमारे गुप्त में दुआएं करी है उसका खुदावन अच्छा अच्छा रिवॉर्ड दे आप लोगों को। गॉड ब्लेस यू सो मच। अब हम मीटिंग को ऑफ करते हैं, एक नई शुरुआत, नए तरीके से बढ़ना है, ठीक है? भैया, और क्या मसीह की मेरी गवाही नहीं है, बिल्कुल एक किसी विषय में बोलना था, बोल सकती हूँ क्या छोटे शब्दों में? हाँ बोलो बोलो, शॉर्ट में बोलो। जी, जो आपने बोला था ना कि माइक के बारे में, मैं पहले यहाँ विलीवर चर्च आने से पहले यहाँ बाबा अंबेडकर जो भवन लगता है वहाँ पे, वहाँ जाती थी मैं झंडे वाले में। तो वहाँ पे वो लोग पास्टर लोग बोलते थे ना, हमको ना माइक की जरूरत है, अगर कोई दे सकता है। तो आज वो माइक की ही बात क्यों आई मुझे समझ में नहीं आया, कि किसी को अगर देना चाहो तो हमको माइक की जरूरत है जो दे सके। मेरी आत्मा में ऐसे आया कि प्रभु मैं माइक दे सकती। मैं घर में भी आई, मैंने मेरे बेटे को भी बोला, मैंने कहा बेटा माइक कितने का आता है? अब डर भी तो है ना घर वालों से। तो मैंने बोला माइक कितने का आता है? मेरे हस्बैंड बोलते क्यों? मैंने कहा वहां ना मांग रहे थे, अगर मुझसे चढ़ जाता तो अच्छा था। तो भैया मैं इसीलिए मैं पूछ रही थी कि मैंने मन्नत नहीं मांगी थी, बस उन लोगों ने बोला और मैं सोची कि मैं दे सकती तो अच्छा था। आपने तो इच्छा रखी ना, बस कोई प्रॉब्लम नहीं जी है, जी इच्छा जी रखी मैंने कोई इच्छा बात नहीं। रखी अगर आप थी। बोलते कि मैं ही दूंगी, पास्टर जी नहीं मेरे को ही देना है, या मैं अपनी तरफ से खुद दूंगी, या आपने प्रभु को बोल दिया कि प्रभु ये माइक मेरी तरफ से जाएगा, मैं ही दूंगी, मैं पक्का दूंगी, तो वो हो जाती कमिटमेंट, वो हो जाती वाचा, प्रोमिस हो जाता, तो उसको हमें जी करने की मैंने पूरी कोशिश कमेंट नहीं करनी कही, बस चाहिए। ऐसा इच्छा है कि मेरे कहीं भी अगर जरूरत पड़े प्रभु मुझे दिलाए, जहां मेरी अंदर से इच्छा होती है प्रभु वहां मुझे हाँ आप ये बोल दिलाए। सकते हो, प्रभु मेरी ये कर, प्रभु मैं इच्छा रखती हूँ, इच्छा रखने वाला शब्द बोल सकते हो, प्रभु मैं इच्छा रखती हूँ। लेकिन परमेश्वर जब आपको उस योग्य बनाता है तो परमेश्वर कई बार याद भी दिलाता है ना, देख अब तेरे पास हो गया है, अब तू कर सकता है, अब तू कर सकती है ना। और लेकिन अब जब जरूरत होगी तभी तो करेगा ना इंसान, ये चीज भी है। लेकिन इसमें अगुवाई भैया मांग, परमेश्वर की अगुवाई मांगकर, प्रभु ये चीज तो यहाँ पर नहीं है, पहले थी, लेकिन आप कुछ और चीज हो सकती है क्या? अब वो परमेश्वर अपने तरीके से बात करता है ना, वो परमेश्वर का अपना मैटर है, प्रभु का और वो मनुष्य के बीच की बात है ना। चलो जय अब ब्रदर हम जी, मीटिंग को ऑफ हम करते हैं। आपके हाँ लिए गॉड मतलब ब्लेस प्रार्थना करना चाहते हैं, कुछ अच्छा बोल सकती हूँ? हाँ जी हाँ जी हाँ जी पराजित बहन बोलिए हाँ बोलिए। जी, सबसे ये विनती है क्योंकि हम प्रभु के दास, हमारे लिए इतने आशीषों को खोलते हैं, हमारे फर्ज बनते हैं और आत्मा भी आ रहे, हम भी एक एक छोटी से छोटी चीज उनके लिए खोलेंगे अनवाशा करके, और 3 मिनट की प्रार्थना करें, लेकिन हर एक चीज उनके लिए दुआएं खोलेंगे, आशीषें खोलेंगे। प्रभु के दास ने आज हमें बोना सिखाया और ये पहली शुरुआत होगी। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं, जितना हो सके मुंह को खोल के उनके लिए बोएंगे। हालेलुया, हालेलुया थैंक यू। हालेलुया, धन्यवाद।
प्रभु सभी को बहुत आशीष दे मेरी बहन, प्रभु का धन्यवाद। सबसे पहले आशीष परमेश्वर ने मुद्दे को हमें ही ब्लेस कर दी बोलने की शुरुआत। खुदा आपको बहुत आशीष दे मेरी प्यारी बहन अपराजिता बहन और सभी भाई बहनों को प्रभु बहुत ब्लेस करे जिन्होंने अपनी जुबानें खोली हैं, दिल से दुआएं करी हैं। हमसे बढ़कर परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आपकी सोचो समझ से भी बढ़कर परमेश्वर आपको आशीष दे। जिस भी एरिया में आपको जरूरत है इसका अच्छा प्रतिफल आप अपनी जिंदगी में पाओ। गॉड ब्लेस यू सो मच। अब हम मीटिंग को ऑफ करते हैं, ठीक है। अब हम रात को अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो प्लीज मुझे रिकॉर्डिंग कर देना व्हाट्सएप पे, है ना, समय ज्यादा हो रहा है, ठीक है। और कोशिश करना कि नाइट प्रेयर्स में हम लोग मिल सके, ठीक है। जय मसीह की सबको, प्रभु सभी को आशीष दे। ग्रुप चालू कर देते हैं, मिट किसी को गवाही दे तो ग्रुप में दे देना। जय मसीह की सबको, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की मेरी बहन, मीटिंग को ऑफ करते चलो। बहुत